फरमा के हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, सबको जूनिटी में काफी दिक्कत आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने का, देखता हूँ मेरा प्रयास काम पे लगता है कि नहीं। Only four is watching now। मुझे लगता है वीडियो का क्वालिटी थोड़ा चेंज हो चुके हैं। सब धीरे धीरे जुड़ जाइए। तो मेन चीजों की ओर हम लोग आगे चलेंगे। 18 इज वॉचिंग नाउ और सभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। तो खैर आप लोगों ने तो देखा ही होगा, वीडियो के थंबनेल भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये एक अभी ऑफर है, जिस समय आप लोग नॉर्मली सारी चीज़ों के बारे में जानकारी सारी चीज़ों की फैसिलिटी ले सकते हो बहुत कम प्राइस में, माइक्रो टीम की प्राइस में। हालांकि माइक्रो टीम के प्राइस 3500 है अगर कोई रिटेलर मार्केट से खरीदता है या फिर पोर्टल से डायरेक्ट खरीदता है, कोई कम दे रहा है इसके बाद अलग है। मार्केट का जो रेट है फिलहाल कंपनी की ओर से वो है 3500 और गोल्ड पैक का जो रेट है वो है 3000। तो कुल मिला के 6500 है, वो आज 3800 में मिल रहा है। जिसके पास माइक्रोएटीएम नहीं है, जिनके भी पास माइक्रोएटीएम नहीं है, वो लोग आज अगर माइक्रोएटीएम लेते हैं, और आज ही नहीं, आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31, 31st तक अगर जितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उतना तक अगर कोई भी माइक्रोएटीएम लेता है, इनको साथ में गोल्ड पैक आईडी जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। एमडी दुर्गा टेलीकॉम वीडियो का थंबनेल देख लो, वीडियो का थंबनेल देखने पर आपको पता चल जाएगा किस चीज का है। और सबको धीरे धीरे जुड़ जाने दीजिए, बहुत दिन के बाद एक बार सोचा चलिए लाइव सेशन करते हैं, और अगर लाइव सेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऑफर जबरदस्त होना चाहिए, और ऑफर जो भी है वो जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, आईरिश स्कैनर लाइव है, मगर जिनका आरबीआई से एक्टिवेशन हुआ है आरबीएल से, उनका एक्टिव नहीं है आई स्कैनर। जिनका आईसीआईसी से एक्टिवेशन है उनका ही ओपन है। ऑयल स्टूडियो माइक्रो एटीएम लेके आप डेस्कटॉप में क्या करेंगे, करना है तो मोबाइल पे करना है। और ऑयल स्टूडियो शायद आप एयरटेल नेटवर्क से काम कर रहे हैं इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। ये दिक्कत एयरटेल की तरफ से है, आरएनएफआई कंपनी की तरफ से नहीं है। और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहे थे हम लोग को व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा टीम का व्हाट्सएप नंबर है, वो लोग लाइव है, आप लोग चाहे तो इन लोगों से भी बात कर सकते हैं। जियो है तो आपके आप एयरटेल लगाइए, जो जहां पे है उसको चेंज कीजिए। जिसकी आज जियो है वो एयरटेल लगाइए, जिसके पास एयरटेल है वो जियो लगाइए। मिनी मैजिक विड्रो पर कस्टमर के अकाउंट से 10 रुपीज चार्ज लग रहा है, वो मिनी मैजिक के लिए नहीं, वो बैंकों के लिए लिमिट खत्म हो गया तो इसलिए हो रहे हैं। मिनी मैजिक से तो हम लोग भी करते हैं। आरएनएफआई में कुछ भी सर्वर इशू नहीं है। अभी मैंने 2 लाख का विड्रो किया अपनी एटीएम कार्ड से और आधार से, 2 लाख का, क्योंकि मुझे अभी सीएमएस का पैसा पेमेंट करना था, तो कोई सर्वर इशू नहीं है। इस्लाम जामीरुल सर, इसके लिए आपको यूट्यूब घाटना पड़ेगा, यूट्यूब जरा देखिए। गूगल पे के ऊपर काफी सारा बातचीत हो चुके हैं, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। आप यूट्यूब में जाएंगे कि गूगल पे क्या है तो आपको बहुत रिप्लाई इसमें इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मंत्रा का स्कैनर कितने का है, ठीक है बात करेंगे इसके ऊपर भी। सबको जुड़ जाने दो, सब जुड़ जाए, 100 लोग जुड़ जाते हैं सब, मतलब 100 लोग जुड़ जाए तो ही बेटर है। ज्यादा लोग आएंगे तो इसके बाद अलग बात है, मगर यहाँ पे बैठ के इतना तो टारगेट कर ही सकते कि लगभग 100 लोग जुड़ जाए, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सामने कर देता हूँ।
ज्योतिर्मय मुद्गल नमस्कार। सोमेंद्रनाथ ना दादा, 3000 से ले लो। आयरिस स्कैनर वेब से गायब क्यों हो जा रहा है? मेरे पास ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है और मैंने देखा भी नहीं। आपका ऐसा कुछ है तो इसका वीडियो मुझे भेजिएगा। 4750 रुपये इस्लाम जामिरुल। सिक्सटी एट इज वॉचिंग नाउ। बहुत स्लो हो गया, लाइव ना आता है तो सब भूल गए शायद टिमटेक सपोर्ट को। हाँ ये भी तो है, अगर आप लोगों से दूर रहेंगे लोग भी आपको दूर करना शुरू कर देगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो मुझे भी मालूम है। हम लोग काफ़ी समय से लाइव नहीं कर रहे, लाइव वीडियोज़ नहीं कर रहे हैं तो लोग भी हमें भूल गए हैं। ये लोग भी आना भी बहुत स्लो हो गया है। 69 है, हम लोग ज्वाइन के ऑलमोस्ट 7 मिनट चल रहा है। सुशांत सरदार, ठीक ठाक दादा, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट ही तो है गेमिंग बाय बोरुन। बोलने वाला क्या चीज़ है, तुमको तो इतना ही सुनना है। 3800 में माइक्रोटीम, साथ में गोल पैक हो गया, सो जाओ। सही पे का टेल्पो डिवाइस के बारे में जी, चलिए आज के लाइव में बताएंगे। ये है सही पे का टेल्पो डिवाइस, और हमारे पास फिलहाल 17 डिवाइस है। हम लोगों ने स्टॉक इसका ले लिया है, जिसको भी चाहिए वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। और एक बेहतर प्रोडक्ट है ये इस मार्केट के लिए, जो एक ही डिवाइस में इतने सारे चीज़ें एक साथ मिल रहे हैं। एंड्रॉयड डिवाइस है ये, और नीचे सिक्यूजन का फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा हुआ है। साइड में आपका कार्ड पिन के लिए स्लॉट लगा हुआ है, ऊपर में स्वाइप स्लॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है। तो एक ही डिवाइस में सब कुछ है, अंदर सिम स्लॉट है, पीछे कैमरा है विथ फ्लैश लाइट। तो जो भी आगे धीरे धीरे करके आ रहे हैं, जितना दूर तक सुनने को मिला है सही पे से दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे स्टेट में सही पे से अकाउंट ओपनिंग का काम भी मिल जाएगा HDFC का। तो वो हो जाए तो ये डिवाइस बहुत काम पे आएगा, क्योंकि ये डिवाइस के पीछे कस्टमर का सिग्नेचर लेना हो, जो फोटो लेना है, सारे चीज़ इसमें मतलब अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे ये एक बेहतर चीज़ हो जाएगा तब हम लोगों के लिए, अकाउंट ओपनिंग अगर आते हैं, अगर आते हैं। सुनने को मिला है आएगा, अब बैठ के देखना है कब तक आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी ये डिवाइस बहुत काम का है। एक्सिस का कार्ड का ICICI का कैश डिपॉजिट हो जाता है इससे। बहुत जल्दी आप लोगों को इसमें एक्सिस का भी कैश डिपॉजिट मिल जाएंगे, और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा तब। 82 इज वॉचिंग, अभी तक सब नहीं आए। जिस विषय में आज वीडियो करना है उस विषय में पहले बातचीत कर लेंगे, इसके बाद सही पे टेल्पो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके सम्राटदा, कोई इशू नहीं, आप पेमेंट कर दीजिए, कर दिए आपने तो आपको मिल भी जाएगा। आपकी ओपिनियन स्पाइस मनी। ओके गेमिंग बॉय, तो फिर वेट करो, सबको जुड़, लगभग 100 लोगों को जुड़ जाने दो, शुरू करते हैं इसके ऊपर भी बातचीत, और आपको भी सुनने को मिल जाएगा। बात करेंगे आज, बात करेंगे जो 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 नए रिटेलर अभी जस्ट बने हैं। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी से हम लोग दूसरे पैनल पे कोई भी डिवाइस माइक्रो एटीएम नहीं बेच रहे हैं। यह कंपनी की तरफ से भी बंद है, और हम भी चाहते हैं बंद हो जाए, क्योंकि प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिलता है जब दूसरे पैनल से बेचते हैं। दूसरे पैनल को भी दिक्कत होता है, भले वो लोग अपने रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइस ना दे रेट पे, आईडी ना दे रेट पे, मगर ये लोगों ने बहुत गुहार लगाई, क्यों हमारा डिवाइस कोई दूसरे लोग बेचेंगे, क्यों हमें दे देंगे। तो वो अलग बात है, आईडी का तो अलग बात है। कोई भी पार्टनर अगर आईडी लेना चाहता है सस्ते रेट में 50, 100, 200, वो हम करा देंगे, मगर माइक्रो एटीएम चीज जो है हम देना नहीं चाहते दूसरे पैनल पे। आज का जो ऑफर है वो भी सिर्फ हमारे पैनल के लिए है। हम चाहते हैं अभी, अब तक सोच रहे थे सबको मिलना चाहिए, मगर जब इतना दिक्कत है तो हम चाहते हैं आप अगर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप ये सोचे कि हमने अगर हम टीम टेक सपोर्ट में जुड़ जाते तो ये हमें ऑफर मिलता, और आगे चल के आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। हम आपकी आपको सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। और आज ये जो सेवा है जो मैं कह रहा हूँ, 3800 रुपये में आपको माइक्रोटीम प्लस गोल्ड पैक मिल जाएंगे,
वो हमारे पैनल में ही जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही मिलेंगे, अदर्स पैनल वाले को हम ये ऑफर नहीं डिलीवर कर सकते हैं। आगे चल के ये ऑफर अगर कोई देता है अपने चैनल को तो उनको मिलेगा, कंपनी देता है तो मिलेगा, मगर हमारे तरफ से किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसमें बिजनेस बोल के कुछ चीज़ है नहीं। 2300 रुपये में हमें मैक्रोटी मिलते हैं, और 100 पीस लेने से, 50 पीस लेने से गोल पैक हमें 1500 से मिलते हैं, तो हो गया 2300 और 1500, 3800 रुपया हम जितने में ले रहे हैं उतने में ही दे रहे हैं, और डिवाइस हमारे पास अवेलेबल जितना है उतने तक ही हम लोग बुकिंग लेंगे, और जो आज बुकिंग करेगा कल उनका ट्रैकिंग नंबर इनको मिल जाएगा। इतना बंदोबस्त करके आज बैठे हैं, जो है हमारे पास वही करेंगे, कंपनी से जो आएगा उसके ऊपर कोई ऑफर नहीं, हमारे पास जितना स्टॉक है उस स्टॉक के ऊपर ही हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। स्पाइस में अकाउंट ओपनिंग का फिक्स डेट मैं अभी तक तो नहीं बता पाऊंगा, फिक्स डेट क्या होगा, अभी टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, 10 रिटेलर का अकाउंट ओपनिंग हो रहा है, रेगुलर कर रहे हैं, 1 सितंबर से शायद हो सकता है, मगर अकाउंट ओपनिंग स्पाइस मनी में आ चुके हैं। किस कंपनी का आया है, किस बैंक का आया है, कब से लॉन्च कर लेगा पता नहीं, हम लोग जस्ट अभी ढूंढ रहे हैं हमारे पैनल पे कौन कौन सा लोग है जो रेगुलर ट्रांजेक्शन, अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं, किस जगह पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन होते हैं, वो देखने के लिए मना किया है, बोला गया है कितना नंबर पे ट्रांजेक्शन होता है, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर का आवाजाही होता है वहाँ पे ही स्पाइस का अकाउंट ओपनिंग का बंदोबस्त प्रायोजित किया जाएगा। ऑनमोडल रिफंड आज दादा 3300 रिटेलर जो पर, हाँ ये जो 3800 वाला ऑफर है रिटेलर को इसी रेट में ही आईडी, गोल्ड आईडी और माइक्रो एटीएम भी मिल जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर चाहते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर भी अगर चाहते हैं इसी रेट में बेचे, वो भी इसी रेट में बेच सकते हैं, और उसको भी इसमें कमीशन हम लोग कहीं ना कहीं तक किसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और किसी ना किसी तरीके से मतलब वो जब खरीदेगा उसी समय हम उनको भी ऑफर देंगे। ये ऑफर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर रिटेलर सभी के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ हम सिर्फ किसी नए रिटेलर को ही देंगे, ये ऑफर हम अपने रिटेलर को, अपने पार्टनर के नीचे बनाया हुआ रिटेलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के नीचे, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे बनाया हुआ रिटेलर को भी ये ऑफर प्रोवाइड करेंगे सबके लिए। हमारे चैनल के लिए ये ऑफर है, हमारा टोटल 3 चैनल है सुपर डिस्ट्रीब्यूशन का, तीनों चैनल पे बसे हुए सारे रिटेलर के लिए ये ऑफर है, और सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर इसका लुत्फ उठा सकते हैं, और सिर्फ हमारे चैनल पे ही ये प्रोवाइड हम लोग कर पाएंगे, अदर्स चैनल के लिए अगर अदर्स चैनल वालों सोचते हैं तो कुछ होगा। ये चीज़ों के ऊपर जो जो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अगर 100 आदमी जुड़ जाते हैं तो इसके बाद इसके ऊपर आलोचना शुरू करेंगे। गोल्ड आईडी के लिए आरएनएफए, गोल्ड आईडी लिखकर आरएनएफए में चेक कीजिएगा कितने देर बाद मिलता है। टेक्निकल प्रभाकर, टेक्निकल प्रभाकर अगले दिन सुबह तक हमें दिखने को मिल जाता है, कब तक घुसता है तो पता नहीं, रात का किसी भी टाइम तो आता है। ₹20 चार्ज कब तक काटेगा सर पता नहीं इसके ऊपर। न्यू आरएनएफए आईडी प्लस गोल्ड पैक, न्यू आरएनएफआई आईडी प्लस गोल्ड पैक आईडी प्लस माइक्रोटी एम आई 3300 रुपये में है। प्रेम कथा आईडी आछे होबे सर, आरएनएफआई से बस बूस के लिए, बूस के लिए मतलब समझा नहीं, आरएनएफआई में बूस के लिए लोन मिल रहा है क्या, बूस मतलब बस दो दो एस कब से होता है। दादा गो पेमेंट आधार पे कि चालू हो गया है सर, हो गया है, मैं 3000 भेज दिया हूँ सर, 800 और भेज देता हूँ। शिवम भारती नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिए जिसको भी ये ऑफर में डिवाइसेस लेना है, ये लिमिटेड है, जब तक ना बिक जाए 31 तक रहेगा, 31 तक खत्म हो गया सो खत्म हो गया। नो प्रसन्न नंदा भाई, शिप रॉकेट काम कैसा कर रहा है, बहुत बढ़िया और बेहतर तो है नहीं, वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेबल है तो वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये लोग भी चुप्पी बैठ रहे थे। सर अदर चैनल के लिए काम करेगा क्या, नो सर, सिर्फ हमारे चैनल पे ही हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर चैनल वाले जब देंगे तब उनका जब टाइम होगा तब देंगे, हम लोग थोड़ा अर्ली कर रहे हैं। हम लोग 4 दिन का ऑफर लगा रहे हैं, शायद आगे चल के और भी कोई
निकल के देखिए, हमारे जेब से तो पैसा नहीं दे रहे। बात यह है कि जितने भी हम चाहते हैं कि जो भी बहुत सारे लोगों को डिमांड है इस चीज का कि हमें एक माइक्रो एटीएम चाहिए, हमें गोल्ड पैक चाहिए। अब इनको सिर्फ गोल्ड पैक दे देंगे तो मुझे नहीं लगता हमें भी बिजनेस होगा, तो बिजनेस तो हमें भी चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों चीजों को इकट्ठा करके दे दे। 2300 का हमारा माइक्रो एटीएम की खरीदारी है, अगर 200 डिवाइस एक साथ खरीदते हैं तो हमने इतना ही लिया है। और 50 डिवाइस एक साथ लेते हैं तो किस जगह पे थे भूल ही गए मैं, तो चलिए एक बार याद कर लेते हैं। हाँ तो जो भी फिर से अगर नए सिरे से बोलते हैं मैं भूल गया वो बातें, तो ये बोल रहे थे ये ऑफर जो है बस सिर्फ हमारे चैनल वालों के लिए है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। दूसरे चैनल को हम लोग दे नहीं पाएंगे, इसके ऊपर रोक है कि हम दूसरे चैनल को ऑफर ना दे। दूसरे चैनल के लोगों को ऑफर मिले ना मिले, कंपनी बोलता है कि ना उनको मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सुपर को सोचने दीजिए। ठीक है, तो हमने इसी के ऊपर छोड़ दिया, कुछ करने वाला चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम सबके लिए ओपन कर देते। 194 TDS के बारे में बताएंगे बताएंगे सबको। हाँ सब जुड़ गए, धीरे धीरे अभी बात करना शुरू कर देंगे इसके ऊपर भी। दादा पेटीएम KYC पॉइंट चल रहा है दादा, अभी भी काम डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट अभी भी जारी है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट इनको भेजना है, मेरे तरफ से आज रेडी हुआ है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, साइनिंग हो गए, तो अब फिजिकल कॉपी इनके पास जाएंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड उनके तरफ से आएगा। तो आज भी कुछ चीज़ें मांगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया 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 चीज़ें मांगे जा रहे हैं। और एक्चुअली ये हो रहा है क्या, ये BC मॉड्यूल हो रहा है कि पेटीएम कंपनी हमें डायरेक्ट BC दे रहा है और हम डायरेक्ट CSP देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल ही नहीं है, BC मॉड्यूल है। वो लोग हमें BC मॉड्यूल दे रहे हैं, हम CSP देंगे। जैसे SBI का होता है, SBI ने CSE को BC बनाया और CSE ने जगह जगह CSP बनाया है, उसी तरीके से ही पेटीएम जो है, जो मॉड्यूल मैंने समझा इनका डॉक्यूमेंटेशन से कि हमें वो लोग BC बना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना रहे हैं और हम लोग जगह जगह पे पॉइंट सेटअप करेंगे, बस वही काम है। जिसको भी ये वाला ऑफर ग्रेप करना है, मैं नए सिरे से एक बार शुरू करता हूँ। 100 लोगों के ऊपर जुड़ गया लाइव पे। आज की जो स्पेशल ऑफर है वो है कि हमारे तरफ से हम अपने चैनल वालों को दे रहे हैं। चैनल वालों मतलब हमारा 3 चैनल है, 3 सुपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारा। उसी चैनल पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये ऑफर है। तो ये ऑफर जो भी है फिर से और एक बार बताता हूँ, ये हमारे चैनल में जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहता था खैर सबके लिए ऑफर हो जाए मगर सबके लिए बंदोबस्त नहीं होगा। पिछले महीना जो नाटक हुआ है कि ऑफर देने के बाद कुछ बंदे आ गए बोलने के लिए कि अगर आप उनसे किसी दूसरे जगह से कम रेट में डिवाइस लेते हैं तो आपको सालाना पैसा भरना पड़ेगा, फेक फर्जी न्यूज़ दे के बात कर रहा था, फिर बोल रहा था उसके पास कहीं से आया है। ये घुटनवारी बात नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑफर है उन, अब सिर्फ हमारे चैनल से है, किसी का सवाल अब आएगा नहीं। आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ना है, आप अगर चाहते हैं कि कम रेट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने पार्टनर को, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, आप अपने चैनल वालों को, अपने रिटेलर को आप देना चाहते हैं, तो आप टीम टेक सपोर्ट से जुड़ सकते हैं। और कुछ लोगों का बात है कि हम फ़ोन क्यों नहीं पिक करके उनका सपोर्ट नहीं करते, मैं फिर से बहुत ज़बरदस्त सख्ती से आपको बोल रहा हूँ, हम फ़ोन करके आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ आप भी समझ सकते हैं। 100-200 की बात नहीं, अगर 40 बंदा भी ढंग से काम करेगा तो फोन करके आपको एक एक बंदे को सपोर्ट करना संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि
क्योंकि फोन करने के लिए जितने बंदे चाहिए 40 और 50 बंदों से इतना पैसा नहीं आएगा कि हम हर किसी बंदे के लिए, हर 10-50 बंदे के लिए कस्टमर केयर बिठा दे यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूअसली हर एक अपडेट को व्हाट्सएप में दिया जा रहा है, और जो भी लूपहोलनेस है कंपनी की तरफ से, आईडी क्रिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम भी लगे पड़े हुए हैं कंपनी के पीछे कि जल्द से जल्द आईडी क्रिएशन जो है वो स्मूथ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फोन पे बार बार रेस्पॉन्स करेंगे तो आईडी जल्द से जल्द बन जाएगा। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते हैं कि आपका रिटेलर गलत तरीके से वीडियो बना रहा है, आप इनको ठीक से ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सुपर के नाते जैसे मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं अपने पार्टनर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने रिटेलर को सपोर्ट करूं, उसी तरह से आपको भी जिम्मेदारी बनता है कि एज ए पार्टनर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी कमीशन जाता है। आपको भी एक रिटेलर बनने से पहले अपने रिटेलर को ढंग से ट्रेनिंग कराना है कि वो 7 चीजें गधों की तरह नहीं, मनुष्य की तरह बोल सके, अपना नाम, अपने ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, गधे को बना के क्या कराओगे, कहाँ चराओगे? एक गधा जो 4 बार 5 बार में एक वीडियो नहीं बना पा रहे, हर बार कंपनी को हम कोस रहे हैं, मैं कोस रहा हूं, क्यों भाई ये इतना सख्त चीज क्यों बनाए हो? अभी सख्त चीज नहीं बनाएंगे तो चोर घुस जाएंगे इस पोर्टल में, और गधों से जो हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये गधे आगे जाके हमारी जिंदगी को हराम बना देगा, हम जी नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए गधे को थोड़ा ट्रेनिंग करके थोड़ा मनुष्य बना दे। 7 चीजें भाई याद करके पढ़ पढ़ के बोल नहीं सकता, वो मोबाइल कैसे चलाएगा, मोबाइल पे जब आएगा ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल वो कैसे पढ़ेगा? मोबाइल में थोड़ी ना हिंदी अक्षर में आएगा, उर्दू में आएगा, बंगला में आएगा, पंजाबी में आएगा, वो आएगा तो आएगा अंग्रेजी में। आपके लिए क्या नया वर्जन लेके आएगा गूगल कि आपकी इस ऐप में लिखा है कि ट्रांजेक्शन ना फेल हो गए हो और आप ना पैसों नहीं मिलोगे, ऐसा लिखा है क्या? तो उन गधों को आगे चल के क्या करोगे, फिर चिल्लाओगे, मरोगे, पढ़ नहीं पाएगा एक लोग, इसको रिटेलर बना रहे हो। अरे भाई कम से कम पढ़ नहीं पा रहा है कोई बंदा, देख के तो समझे, एक चीज देख के वो वीडियो नहीं बना पा रहा है, उसके ना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, ना वीडियो के वाई सी ढंग से कर रहा है। वीडियो के वाई सी RNFI में जितना सख्त बनाया गया है वो ही सॉलिड सिस्टम है, और इससे सॉलिड सिस्टम कहीं पे नहीं है। तो इतना सॉलिड सिस्टम पे क्यों नहीं नजर दे रहे? ये सॉलिड सिस्टम आपको और हमें काम की सिक्योरिटी देते हैं कि इस सिस्टम में कोई उल्टा सीधा लोग घुस के ना इसको डिस्टर्ब कर दे और आगे चल के आपको और हमको ना डिस्टर्ब हो जाए। तो आप खुद डिस्टर्ब होना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम तो हर बार बोल रहे हैं कि जो बंदा ये 7 चीज पढ़ के नहीं बोल पा रहा है कि मेरा नाम विनय विश्वास है और मेरा घर त्रिपुरा में है, मेरा आधार कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मेरा मोबाइल नंबर 9862363880 है, और मैं RNFI के साथ काम करना चाहता हूं, फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर आके हमको बोलता है कि इन चीजों में थोड़ा रोक डोक होना चाहिए, सिस्टम थोड़ा टाइट होना चाहिए, सिस्टम में चोर घुस गया है, सिस्टम में वो हो गया है, फलना हो गया है, सिस्टम पीछे पड़ा है उन लोगों की कि वो लोग धीरा काम करें। काम कहाँ से करेंगे? सारा दिन भर जितना क्वेरीज आते हैं वो 70% गधों का क्वेरीज आते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता। आप बात है पढ़ना नहीं आता गधा है, नो पढ़ना नहीं आता, कम से कम उसका तो जनरल नॉलेज तो होगा। अंग्रेजी का अर्थ मुझे मालूम नहीं हो सकता, मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं बंगाली हूं, बांग्ला समझ में आता है, मैं हिंदी भाषी हूं, हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदी समझ में आता है, तो साला मोबाइल कैसे दबाते हो तुम? इसको कॉपी करके गूगल में जाके तुम ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ो ना, तुमको ना हिंदी पढ़ना आता है ना बांग्ला पढ़ना आता है, तुम चले पैसा निकालने। तुम लोग चोर हो जो लोग ये काम करते हो। हर बार कहता हूं हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि ऐसा रिटेलर बनाओ कम से कम मिनिमम नंबर पे पढ़ सके। इतना अनपढ़ गवार को रिटेलर मत बनाओ, फंसोगे बुरी तरीके से फंसोगे। मिनिमम समझ में आता है तो समझाओ। जो लोग एक वीडियो नहीं बना सकता है, पर के वीडियो में बात नहीं कर सकता है, वो कैसे, वो उससे कैसे काम कराओगे आप? गलती आपकी भी है, बहुत लोग समझ के भी बात नहीं कर सकता है, उनको बोलो वीडियो में गलती करोगे तो वीडियो में तो 10 दिन तक आईडी नहीं बनेगा। हम लोग ऐसे डर दिखा देते, कर लेते हैं झटक से। आप कुछ नहीं बोलते हो, इनको वीडियो का ट्रेनिंग दो पहले, एक क्रिटलर बना रहे हो, मजा जिंदगी भर लो, कोई इशू नहीं, मगर बनाओ। ये कूल डाउन वाला बात नहीं भाई, आवाज ही ऐसा है, आपके कान में चुभ रहा है तो लाउड स्पीकर लगा दो और आवाज को थोड़ा नीचे कर दो। तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर को कहना चाहता हूं, सपने तो आपके पास है देखने के लिए, आप दिन में भी देखते हो सो सो के,
आप रात में भी देखते हो सपने, मगर सपना देखना कोई गलत बात नहीं, सपने को साकार जो आप नहीं कर पा रहे हो वो बहुत गलत बात है। सपना साकार करने के लिए RNFI हो, स्पाइस मनी हो, पेनियर वाई हो, गो पेमेंट्स हो, कहीं पे भी एंट्री करो भाई, एटलीस्ट आप ना मेहनत करो तो जाके आपका सपना साकार हो जाएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, वीडियो करने के लिए रिटेलर को ऐसे ही छोड़ दोगे, आप छोड़ देते गधों की बात, आप घोरों की बात करते हैं। अरे भाई बहुत सारी जगह पे वीडियो में जब लोग बात करते हैं ना तब घोरा भी गधा बन जाता है, तो सपोर्ट आप करते हो जब भी वीडियो बनाते हो। देखो वीडियो बनाने का सही प्रोसेस बता देता हूँ, रिटेलर को कैसे आप लोग बना पाओगे। जब भी रिटेलर वीडियो बना रहा है तो आपको तो पता है रिटेलर का नाम क्या है, आपको पता है वीडियो में क्या चल रहा है, तो आप उनको बोलो दूसरे मोबाइल से आपको फोन लगाए है और वो फोन फोन पे रहे और एक मोबाइल से वो वीडियो KYC करे, उस वक्त जब बोलेगा उसी समय इसको रुकवा दो, मोबाइल को ही स्विच ऑफ करा दो, नहीं जाएगा वीडियो। और उसी समय ये लाउड स्पीकर में रखना है, इनको बोलना है कि मैं चुप रह जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अपने वीडियो बनाओ, और वीडियो में कहीं भी गलती होता है तो मैं तुमको जब भी रोकूंगा। अगर सामने डिस्प्ले में बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो मोबाइल को भाई स्विच ऑफ कर दो। आप क्या करते हो, सर बनाओ 100 रुपए में आईडी, तो 100 रुपए में आईडी देके समय कहाँ दोगे। हम तो आज भी 400 रुपए में आईडी बेचते हैं क्योंकि हमें समय देना होता है, और आपको तो कंपटीशन करना है। 70 रुपए में लिया आपको, मैंने 70 रुपए में दिया, या फिर मैंने आपको 80 रुपए में दिया और आपने सोचा आप जबरदस्त रिटेलर बना लेंगे 100 रुपए में, मुझसे लो 100 रुपए में आईडी लो, और फिर समय नहीं है आपके पास क्योंकि इंटरेस्ट ही तो नहीं है। जहां से आपको अर्निंग नहीं हो रहा है भाई वहां पे आपका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। आपके इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप काम नहीं कर रहे हो, और आप काम नहीं कर रहे हो तो रात को सो के और दिन में जाग के जो सपना देख रहे हो वो सपना सपना दीदी हो गया, वो सपना सपना मम्मी हो गया, मौसी हो गया, सपना सपना नहीं रहा। तो सपना अगर देखना है तो मेहनत करना छोड़ना नहीं है, और रिटेलर को एक बार भी फेल नहीं होना है। रिटेलर को दूसरे फोन पे लेके बोलना है कि मैं लाउड स्पीकर में हूं, तुम से ठीक ठाक से बोलो, और अगर नहीं बोलते हो तो जब भी मैं बोलता हूं साला बंद कर इसको, तुरंत ही इसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है वीडियो को। क्यों वीडियो कंपनी के पास जाए, फिर कंपनी वाला बोले ये बीच में दुकान का नाम नहीं बोला है, क्यों विश्वास करेंगे इसके ऊपर। फिर कंपनी वाला बंदा बोलेगा इसने दुकान का नाम गलत बोला है, ये मोबाइल नंबर ढंग से नहीं बोला है, तो आप बहरे हो थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना बहरा हूं। दूसरे वो छोर से मोबाइल पे उसको लाइन पे ले लो, वो जब गलती जब भी करता है उसको बोले साला चुप कर मोबाइल बंद कर दे रहा, तो झड़क से मोबाइल बंद कर देगा, क्या हुआ सर गलत बोल रहा था तू, दूसरी बार वीडियो बना, तो बनाएगा वीडियो कहां से फेल होगा। बात इतना है कि आप सोचते नहीं हो किस तरह से गलती से उसको रोका जाए, बस इतना सोच रहे हो है कंपनी एकदम गलत सा चीज बना दिया। हमने बहुत सारे लोग ऐसे बोल के देखा, खुद से बोल के देखा, ये गलत चीज बना दिया कंपनी ने भाई, उनकी एकदम से बतंगर हो गया, बात एकदम से नहीं सुनता है, गलत बात है, ये सही तरीका है। और मैं चाहता हूँ KYC ना ही आए, इसी तरीके से चलता रहे कंपनी चल जाएगा, दूसरे कंपनी में चले जाएंगे सब, चले जाए जहाँ पे मजा आ रहा है चले जाए, फिर लौट के भी आएगा, कहाँ मिलेगा 3800 रुपए में माइक्रो एटीएम के साथ गोल्ड पैक आईडी। आप बता दो गोल्ड पैक में क्या क्या है, सभी लोग बोलते हैं गोल्ड पैक गोल्ड पैक गोल्ड पैक, आप बात करते हैं गोल्ड पैक में क्या है जो 3000 रुपए में बेचा जाता है। गोल्ड पैक में डेली एक सेटलमेंट फ्री मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो बहुत सस्ता नहीं है, 10 रुपए लगता है, बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो सस्ता नहीं है, बहुत चार्जेस लगता है, 10 रुपए लगता है, लो आपका सेटलमेंट आपसे फ्री कर दिया। फिर है बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे आधार पे के लिए चार्जेस लगते हैं, तो आधार पे के लिए चार्ज कहाँ नहीं लगता है, पेनियर में आधार पे चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद बोलते हैं इंस्टेंट पे में चार्ज नहीं लगता है, इसके बाद बोलता है पेमोंग पे चार्ज नहीं लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई रियल टाइम सेटलमेंट कहाँ देता है, पेनियर बाई कंपनी तो दो दो तीन तीन दिन में सेटलमेंट देता है आधार पे का, फिर इंस्टेंट पे तो सेटलमेंट ही नहीं देता है, वो पैसे को मनी ट्रांसफर करके निकालना पड़ता है। और पेमोंग का तो छोड़ ही दो हालत, क्योंकि हालत बहुत बिगड़ी हुई है, 33 बार मैसेज में उन लोगों ने प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे नहीं कर पाया, तो इस कंपनी का नाम ना लिए तभी बेटर है। तो इसको छोड़ के जो और बाकी दो कंपनी है, और इसके बाद आया अभी गो पेमेंट्स, ये तो हाल ही में है, कल रात को ही शुरू हुआ इन लोगों का आधार पे। जो जिन लोग आधार पे हैं वो एक भी आधार पे में प्रॉपरली प्लेयर नहीं है, एक भी रियल टाइम सेटलमेंट नहीं दे पा रहा है। रियल टाइम सेटलमेंट अगर पहले दिन से कोई दे रहा है तो वो RNFI दे रहा है, तो दूसरे बंदों का नाम मत लेना। और इसमें चार्जेस के बारे में भी अगर बात करेंगे, गोल्ड पैक में ओनली 45 पैसा चार्ज हो रहे हैं,
मतलब 10,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं तो 45 रुपये आपको अभी चार्ज हो रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे 50 पैसे तक का चार्ज है 100 रुपये में। तो यहाँ पे भी इसका किफायती रूप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ऑफर क्या है, अगर आप नया रिटेलर बनना चाहते हैं तो 3800 में नया रिटेलर आईडी माइक्रो एटीएम प्लस विद गोल्ड पैक। अगर आप पहले से आईडी रिटेलर है, आपके पास माइक्रो एटीएम नहीं है, अगर आपके पास माइक्रो एटीएम है तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अगर आपके पास माइक्रो एटीएम है नहीं है तो आप एक माइक्रो एटीएम ले सकते हैं 3800 में विद गोल्ड पैक। ये मजेदार हो गया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन नंबर से बात कर लीजिए, और उन नंबर से बात करके आप व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बात करके गोल्ड पैक के साथ माइक्रो एटीएम का ऑर्डर दे दीजिए और ये ऑफर ग्रैब कर लीजिए। तीसरा जो है आधार पे ट्रांजेक्शन बाधा दिया है, तीसरा चीज था आधार पे, तो इसमें फ्री ही मिल रहा है गोल्ड पैक में, और आधार पे में जो 60 पैसे वाला चार्जेस था वो 45 पैसा हो गया है। चौथा जो है CMS एक्टिवेशन 236 रुपये लगता है माइक्रो आपके ऐप में, वो 36 रुपये वाला चीज भी, 236 रुपये वाला चीज भी आपको गोल्ड पैक में मिल रहा है, और वो भी 3800 के अंदर में सारे चीज अभी समा गया है। पांचवा जो है BBPS आईडी फ्री, BBPS आईडी अगर आप नॉर्मल 590 रुपये से खरीदते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कमीशन मिल रहा है ओनली 5 पैसा 100 रुपये में, ये कोई नंबर्स पे नहीं आता है, 0.5 चला जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी कमीशन यहाँ से देते हैं। अगर आप 3800 में माइक्रो एटीएम खरीदते हैं साथ में गोल्ड पैक फ्री मिलता है, और गोल्ड पैक के अंदर जो BBPS का आईडी आपको मिलता है यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे 10 पैसे की हिसाब से कमीशन मिलेगा। मतलब अगर आपने 1000 की किसी पेमेंट किया है, 1000 का नीचे करेंगे तो बहुत दिक्कत है भाई, मैं कह देता हूँ कमीशन प्रॉपर नहीं आएगा। अगर आप 1000 के ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 10 पैसे के हिसाब से कमीशन आएगा, और 1 रुपये कमीशन आपको मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को तो कमीशन खेल है ही है। और इसके साथ साथ बहुत दिन से बहुत लोग बोल रहे थे पैन कार्ड का आईडी जो है वो RNFFI मुफ्त नहीं है, आप मैं कहता हूं सिर्फ 3800 रुपये में एक माइक्रो टीम ले लो, माइक्रो टीम की रेट से ज्यादा 300 रुपये मुझे दे दो, मैं गोल्ड पैक देता हूं, और गोल्ड पैक के अंदर आपको जो मिल रहा है वो है एक UTI का पोस्टपेड आईडी आपको मिल जाएगा। मतलब गोल्ड पैक के अंदर में ये पैन कार्ड आईडी भी समा दिया गया है, आप इसमें आपको गोल्ड पैक आईडी में पैन कार्ड भी मिल जाएगा, और वो भी ये वाला लागत में ही मिलेगा, 3800 रुपये में आईडी गोल्ड पैक माइक्रो एटीएम सारे चीज। इसके बाद आते सातवां चीज ₹500 रिफंडिंग अगेंस्ट ब्रांडिंग। आप माइक्रो एटीएम का कितना रेट हुआ 3300, कैसे अगर आपने माइक्रो एटीएम खरीदने के बाद एक्टिवेशन के बाद गोल्ड पैक एक्टिव हो गया, इसके बाद RNFI का ब्रांडिंग प्रिंट करके आपने दुकान के ऊपर चिपका देते हैं बोर्ड बना के, तो आपको ₹500 भी रिटर्न मिल जाएंगे। तो हो गया क्या, ये ब्रांडिंग तो आपको करना ही था आज या कल परसों, अगर आपको दुकान चलाना है आपको ब्रांडिंग करना ही है, और ब्रांडिंग अगर करना है तो खर्चा है, और वही खर्चा भी आपको RNFI से रिफंड मिल रहा है, मतलब आपको ₹500 और भी रिफंड मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अगर IRCTC आईडी चाहिए, नॉर्मली IRCTC आईडी जो है कंपनी 4500 में बेचते हैं, हम टिमटेक सपोर्ट वाला तो आपको IRCTC आईडी भी ₹2500 में मिल जाएंगे। मिनी स्टेटमेंट में और एक चीज यहाँ पे हो गया, ये 8वां चीज 9वां चीज आपको बताते हैं। मिनी स्टेटमेंट में जो कमीशन है नॉर्मली वो है ओनली 24 पैसा, अगर आप 3800 में आज कल परसों तरसों नरसों मतलब 31 तारीख तक अगर डिवाइस हमारे पास स्टॉक रह गया, अगर आप नहीं अलग कोई बात नहीं, जो ऑफर है बस वही ऑफर, अलग से ऑफर मत बनाइएगा कोई भी कि मुझे ये नहीं है वो चाहिए वो है वो चाहिए, नहीं जो ऑफर है वही ऑफर है, आपको वो लेना है तो लीजिए, दूसरा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है तो वो आप 1 तारीख के बाद मुझे पूछिए, 1 तारीख के बाद कुछ नया ऑफर फिर आप लोगों के लिए बनाएंगे। आज ऑफर तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों के पास माइक्रो एटीएम नहीं है और चाहते हैं कि हम भी माइक्रो एटीएम प्लेयर बने और माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन करें, एटीएम का कैश हम कस्टमर की हाथ घर तक पहुंचा दे, तो उन लोगों के लिए ऑफर है, वो लोग माइक्रो एटीएम खरीद लेंगे तो साथ में जबरदस्त 3000 वाला सामान साथ में मिल रहा है, वो भी 300 रुपये में मिल रहा है। तो 3500 का हो गया माइक्रो एटीएम और 300 रुपये का हो गया गोल्ड आईडी। अगर कोई छेड़खानी करना चाहते हैं कि हम सिर्फ गोल्ड लेंगे 300 में, चलो भाई टाटा, आपसे नहीं करना है मुझे दोस्ती, मेरा दोस्ती उन लोगों से है आज, तो आपको मिल जाएंगे और वो भी एक्टिवेशन पे। कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि माइक्रो एटीएम लेंगे दोस्त को बेच देंगे और इसके साथ गोल्ड पैक ले लेंगे, नो, सिर्फ जो एक्टिवेशन कराएगा अपनी आईडी में, जो एक्टिवेशन हम लोग करेंगे उनको ही हम लोग गोल्ड पैक प्रोवाइड करेंगे, और वो भी ऑन वीडियो में कह रहा है, वीडियो डिलीट नहीं किया जाएगा, वीडियो लाइव रहेगा तब तक,
जब तक आपका एटीएम सारे एक्टिवेटेड नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। स्टॉक हमने 200 लेके रखा है, बस 200 पर ही स्टॉक लगा हुआ है। मेघालय नहीं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इंडिया की किसी भी स्टेट में डिलीवर हो जाएगा। अगर आपके पास डीटीडीसी है, आपके पास डिलीवरी है, आपके पास शिप्रॉक है, सॉरी आपके पास ब्लू डार्ट है, और आपके पास इंडिया पोस्ट है, तो डीवाइस डिलीवर हो जाएगा। डीवाइस डिलीवरी को लेके कोई टेंशन नहीं है। और कमीशन के बारे में बात करते हैं, अगर गोल्ड पैक आईडी भी आपको मिल रहा है तो कमीशन के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 500 से लेकर 999 रुपये में आपको एपीएस का 150 रुपये मिल रहा है। 1000 से 1499 रुपये में आपको एपीएस 3 रुपये मिल रहा है। 1500 से 1999 रुपये में आपको एपीएस में 5 रुपये मिल रहे हैं। 2000 से लेकर 2499 रुपये में आपको एपीएस में 7 रुपये मिल रहे हैं। 2500 से लेकर 2999 रुपये में आपको एपीएस में 8 रुपये मिल रहे हैं। 3000 से लेकर 10000 में आपको फ्लैट 9 रुपया तक का कमीशन मिल रहा है। और सिंगल ट्रांजेक्शन एक कार्ड से या फिर एक ईपीएस से एक ही दिन में 10000 होगा। और बैंकों के हिसाब से, अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम के हिसाब से मैक्सिमम 50000 तक का एक दिन का विड्रॉ हो सकते हैं। अगर आपका कार्ड का लिमिट है, जैसे मेरे पास कार्ड है, मेरे कार्ड का लिमिट 20 बार है, मगर 5 बार से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका लॉक लगा दिया गया है, यहाँ पे इतना तक ही होता है। तो यह है जबरदस्त ऑफर, आप लोग इसको ग्रेप करना चाहते हैं तो इसको ग्रेप कर सकते हैं। और दिमाग में ये चीज को जरूर रखिएगा जो मैंने पहले बताया आपको, रिटेलर बनाने का फॉर्मूला। रिटेलर बनाने के लिए आपको एक छोटा फॉर्मूला मैंने दिया, उस चीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए। उसको दूसरे छोर से फोन पे रखिए और वो क्या बोल रहा है उसको सुन लीजिए, क्योंकि रिटेलर भी झूठ बोल सकते हैं, कंपनी वाला बंदा भी झूठ बोल सकता है, मगर कंपनी वाला बंदा तो ऑन रिकॉर्ड है, रिटेलर ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वो बाद में उसका झूठ पकड़ में चला आता है। इन चीजों की और जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों का क्या सवाल है। काना बैंक से एटीएम, काना बैंक से क्या लिखा अपने, काना बैंक से एटीएम RNFI ज्यादा स्वीपी होता ही। समझा नहीं सर आपने क्या बोला, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आपको हिंदी में ही लिखना है। नमस्कार अवधेश जी, बापन CSP ऑनलाइन दादा, RNFI पार्टनर, BBPS फ्री, ये सब कहानी नहीं है, ये सब कहानी तो आज नहीं है। आज सिर्फ माइक्रो एटीएम पे है, और वो लाइव कस्टमर चाहिए हमें, कि आज लेके रख देंगे बाद में बेचेंगे, ये वाला कहानी फिलहाल नहीं है। डिजिटल बिजनेस जब सुपारी नहीं कर पाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से करेंगे। RNFI में ICICI का कैश डिपोजिट काम नहीं कर रहा है, तो आप RNFI में नहीं कर रहा है तो आप सही पे में कर लो। ओनली गुड पे कर आईडी काटे टंका, क्या ओनली गुड पे कर आईडी को तो काटे टंका, भाई क्या लिख रहे हो, सेंड करने से पहले पढ़ लो। फिंगरप्रिंट से आधार डाउनलोड सर्विस सुमन कूजर, RNFI पार्टनर आईडी मिलेगा। सुमन कुजर भाई, किसी को भी किसी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे एक बार बात कर लीजिए, मुझे लगता है आपको सहूलियत मिल जाएगा। रामाकांत साहू, सर सेविंग्स अकाउंट में कोई भी बैंक नहीं देते, कारण में बहुत सारे बैंक देते हैं, बैंकों के साथ बात करेंगे, सभी बैंकों के पास ये फैसिलिटी है। पार्टनर आईडी में ई सॉफर मिलेगा क्या? सबको मिलेगा, मगर रियल टाइम में आईडी बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपके पास लेके रख दोगे तो नहीं मिलेगा।
सर गोल पैक लेना है MATM के साथ, जिसको भी चाहिए मैंने कांटेक्ट नंबर तो यहाँ पे दे दिया है, उन नंबर्स पे आप लोग बात कर लीजिए। गेमिंग वरुण सर बिहार में SBI का CSP को कोई समझा नहीं। सोनू पाल सर डाइनो कितने का है? 4750। सर मैं गोल्ड एडिटर देख बेन। ओके इसको मैं करा दूंगा। करंट अकाउंट ओपन प्रोसेस बात करेंगे इसके ऊपर। सर कुछ बात कीजिए सर, बात तो कर रहता था। गो पेमेंट सर आधार पे की एक्टिव करते होवे क्यों? आपका एक्टिव नहीं है। करंट अकाउंट ओपन प्रोसेस चलो। घुरियाशी BPF सर्विस फ्री में मिलता है, RNFI में तो चार्ज कटा सी। चलो घुरियाशी फ्री में जहाँ मिलता है वहाँ कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है? दिखाओ मुझे कहाँ कमीशन मिलता है, और जहाँ कमीशन मिलता है प्रॉपर काम नहीं होता, मुझे पता है। TDS एग्जामेशन लेटर RNFI की तरफ से मिलेगा, मिलने पर क्या होगा? TDS एग्जामेशन लेटर मिलने पर क्या हो जाएगा? कोई TDS एग्जामेशन हो रहा है? अगर होता है तो मुझे बताना। YouTube लाइव में तो बोल रहा है 10,000 में 45 पैसा दिया आधा पे चार्ज आएगा। 45 पैसा कब बोला मैंने? ये बोल पैंतालीस रहे रुपया हैं बोला, कोई कान से सुनता नहीं असल है। 45 पैसा बोलते इनका। 2,000 में कटा 7.62, तो ज़्यादा है क्या? 2000 में 7.62 कटा है। ठीक ही तो है। हाँ मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है ज़्यादा है। ये क्या इशू? 65 कट रहा है इनका, नहीं, 2,000 पे 7.62। 65 कट रहा है ना? कितना कट हाँ रहा है? 65 करके कट रहा है? हाँ लेते हैं सर। नहीं, नहीं, 3.56 करके कट रहा है। 2000 में 7.62 7.62 कट ऐसे भी रहा तो कम कट रहा है, 0.35 कट रहा है, है। हाँ तो और कितना कटेगा? तो और क्या कटे? मुफ्त में करा दे इनको, बोलो हिसाब पहले करे ढंग से, इसके बाद आके बोले। DGP में तुहिन गए ना आपको? इसको आपको ट्रैकिंग नहीं मिला? मुझे नहीं लगता है, मैं हमारे पास कोई ट्रैकिंग पेंडिंग है आपका। अगर TDS लेटर एक्सपेक्ट ने एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक में, तो फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या है? मेरे 25 से 30 लाख विड्रॉल होता है स्टेट बैंक में, तो सर इससे बेहतर है कि आप अपना बैंक पे जाओ पहले, और बैंक की मैनेजर के साथ ही कुछ आप रेपो सेट करो। इसके अलावा इसके बाद भी मैंने किया था किस तरह से करना है। जब तक गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं लेके आता, NPCI कोई सोल्यूशन नहीं लेके आता, इस सोल्यूशन में कुछ नहीं होगा। आपको लोकल मार्केट से पैसा कलेक्शन करना है, जैसे हम लोग लोकल मार्केट से कर रहे हैं, CMS से भी कर रहे हैं, और हम लोग CMS से भी कर रहे हैं, हम लोग लोकल मार्केट से भी कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को करना है। बापन CSP ऐसा कुछ ऑफर नहीं है सर जी। मेरे पास BCID है, मुझे गोल्ड पे का अलग से लेना पड़ेगा। BCID है रैली पे BC, पता नहीं रैली पे BC क्या क्या चीज था, वो इकट्ठा करके देखना पड़ेगा। सर आधार पे कौन से कंपनी का बेस्ट है? RNFI के मुझे लगता है बेस्ट है। अभी गोल्ड आप इसका भी रियल टाइम सेटलमेंट होता है, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। गो पेमेंट्स का BPS सर्विस से कमीशन कितना मिलता है? 10 पैसा तो मिलता है, 100 रुपये में 10 पैसा मिलता है, तो 1000 में 1 रुपया तो मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया है। इससे और क्या ज़्यादा मिले? इससे और ज़्यादा देना है तो चोरी करके लाना पड़ेगा पूरा सिस्टम को बंद करके, ठीक है ना? DGPay में सबसे बेस्ट कमीशन है। हाँ आशीष नंदी भाई DGPay कर लो, पैसा फंस जाएगा तो कोई फोन करने वाला पकड़ने वाला नहीं है, वो तो हम भी करते हैं। पैसा फंस गया तो मायर भोगे, कभी आता है कभी नहीं आता है। 3000 मिस्टर आकाश, और भी कुछ बात कीजिए। सवाल इतना पूछता है कि लोग टाइम निकल जाएगा जी।
इन्फोटेक सपोर्ट सर, एक्सिस बैंक का आईसीसी बैंक बेटर है करंट अकाउंट बिजनेस के लिए आईसीसी। पेटीएम बीसी पॉइंट और कितना दिन लगेगा? मुझे लगता है और भी समय लगेगा, जब आ जाएगा मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सिर्फ खत्म हुआ है, अब इनके फिजिकल को भी भेजना है, फिर डीएससी से फिजिकल उनका ऑथेंटिकेशन करना है। इसके बाद सुजीत फाड़िया 194N के लिए बस वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोकल से पैसा कलेक्ट करें, सीएमए से पैसा कलेक्ट करें। मंत्रा लाइफ टाइम आरडी सर्विस प्राइस फिलहाल नहीं है मेरे पास, स्टॉक खत्म, जितना था 30 जहां से आया वही चला गया। फिनो पेमेंट सीएसपी जो एसएमएस करे किंतु भालो करे हमारे रिप्लाई दे ना, वेट कीजिए अभी तक नहीं शुरू किया हम लोगों ने, जब शुरू करेंगे तो डंका बजा के शुरू करेंगे। দাদা পুরনো জন্য কিছুক্ষণ আমরা সব ভালো ভালো অফার থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছি। স্যার আপলো কে লিয়ে ভি তো অফার হ্যায়, জিন জো ভি রিটেলার আপকা মাইক্রো টিম নেহি লিয়ে উনকো মাইক্রো টিম দে দিজিয়ে, তিন ইনকো ভি ইয়ে ওয়ালা অফার মিল জায়েগা। তো বাত করে থে 194N কা সওয়াল ফির সে আর একবার বাদ মে লেঙ্গে আপ লোগো কা জো ভি সওয়াল রহেগা, ফির একবার বাত করতে হ্যায় 194N কা কি কিস তরহ সে ইসসে আপ লোগ বাঁচ সকতে হ্যায় আর কিস তরহ সে ইসসে বাঁচ কে আপ লোগ চল সকতে হ্যায়। 194N TDS जहाँ पे क्या हो रहा है, 194N TDS के बारे में एक चीज खुल के बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले चरण में अगर आप AEPS में काम कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आगे भी AEPS में काम करेंगे बहुत समय तक, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो मैं बता देता हूँ। अब ये हर कई जगह पे हो गया है, सबसे पहले आपको आंख बंद करके आपको 2019-2020, 2020-2021 ये दो साल का ITR रिटर्न करना है। अब सवाल आता है कि भाई हमें, आप सवाल आता है कि भाई हम तो काम शुरू किए हैं 2 महीना पहले मार्च में फरवरी में, तो मैं कहना चाहता हूं भाई ITR फाइलिंग अगर आप नाकाम नहीं भी कर रहे हो तो भी आप ITR फाइलिंग कर सकते हो। हम लोग ITR फाइलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा TDS कटता है, हम ITR फाइलिंग इसलिए करते हैं कि हमें TDS कटता है, मगर इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग फाइलिंग करते हैं जिनको लोन चाहिए जो फेक चीजें दिखाते हैं, तो फेक चीजें मत दिखाओ। इससे पहले जो भी बिजनेस करते थे उसका क्या अर्निंग होता था आपका, इसका एक बैलेंस शीट बना के आप 2 साल का नील रिटर्न कर दो, या फिर कुछ बिजनेस दिखा के रिटर्न कर दो, आप रिटर्न भर दो, 2 साल का रिटर्न हो गया आपका। इसका मतलब ये नहीं आप TDS एग्जम्पशन से बच गए, 2 साल का TDS रिटर्न इस साल तो दिए है, पिछले साल 1 साल का ही दिया था, 2 साल का नहीं दिया था। इस बार इस पेंडेमिक सीजन की वजह से गवर्नमेंट ने 2 साल की TDS ITR रिटर्न करने का मौका दिया है, इस मौका को आप लोग गवा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं 400-500-900 रुपए लग रहे हैं, 2 साल का कर रहे हैं तो 1100 रुपए लग रहे हैं, हमें मुफ्त में मिल जाता है। हाँ कर लीजिए, जहां पे मुफ्त में मिल जाता है कर लीजिए, जिसको मुफ्त में नहीं मिलता है, हम लोग मुफ्त में काम नहीं करते हैं, तो हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे आपके साथ काम, हम भर देंगे आपका ITR रिटर्न फाइल करके, आपका बैलेंस शीट बना के। अब बात है कि अगर आप ये 2 साल का कर लेते तो अगले साल क्या होगा, 2 साल करने के बाद अगले साल ये होगा कि जो भी बंदे इस मार्केट में काम कर रहे हैं और जिसको भी एग्जम्पशन लेटर के साथ पेपर जमा करना है, इसको 3 साल का ITR रिटर्न जमा करना है, तो ही जाके आपको 1 करोड़ तक का फैसिलिटीज मिल रहा है, नहीं तो 20 लाख के आगे आप बहुत जल्दी हो जाने वाला है, चल रहा है अगस्त सुबह होते होते आपको सितंबर मिल जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च देखने के तो 6 महीना है, मगर ये पिछले जो 8 महीना चला गया आप लोगों को पता है नहीं पता है, और अगले 6 महीना भी पता नहीं चलेगा। और ये जो भी लोग ये नहीं किए है ITR रिटर्न, जिन लोगों ने भी नहीं किया है उनको पता चलेगा अगले 6 महीने के बाद, आगे एक एक दिन पता चलेगा, जब वो पैसे की वजह से बिजनेस नहीं कर पाएगा और उसका अगले वाला दुकानदार कैश अवेलेबल रहेगा, उसको 1 करोड़ तक का लिमिट मिल गया, वो दूसरे तीसरे चौथे किसी जगह से कलेक्ट करके और 1 करोड़ को मेंटेन करके बिजनेस कर रहा है, उसको हो जाएगा, दिखा जाएगा कि 3 साल का ITR है, बैंक ने उसको एग्जम्पशन लेटर मर के कर भी दिया है। बंदोबस्त की आप जितना कुछ विड्रॉल करो आप CSP हो, हर बार हर किसी को बोला जा रहा है, कंपनी की तरफ से डायरेक्ट तो नहीं बोला जा रहा है, मगर बहुत सारे यूट्यूबर ने बोल दिया कि अगर आप लेन देन वाला बिजनेस कर रहे हैं तो ITR रिटर्न होना, 3 साल आपके पास रहना बहुत जरूरी है, और आप लोग इस चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, आप सुन के भी ना सुनने का बहाना कर रहे हो और सोते जा रहे हो।
तो भाई आप लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई सोते रहो और फिर जाके मत पूछना आप क्या करें। पूछ भी लोगे तो जवाब एक ही होगा, कोई फायदा नहीं है, आप फिर से करो और एक साल रुकना पड़ेगा। मन ही मन तब आप सोचोगे कि हमने बहुत गलती कर दिया, YouTube में बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और हम चिल्ला चिल्ला के नहीं सुन रहे थे। तो इसके लिए आप लोग वेट कर लीजिए, ये समय आप लोगों को आ रहा है और 194N से बचने का ये पहला रास्ता है कि अगले साल तक आपको 1 करोड़ का लिमिटेशन मिल जाएगा। आप बात है जिसको कट गया है वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कहना चाहता हूँ जिसको भी पैसा कट गया उनका पैसा TDS का पैसा रिटर्न मिल जाएगा। इनको मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इनका ऑडिट कराना पड़ता है। तो ऑडिट करने में तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, बहुत नहीं थोड़ा खर्चा होता है, उस खर्चे के बाद आपको पैसा रिटर्न आ जाता है, उसको लेके कोई टेंशन नहीं। आप बात है कि आप तो और भी कटेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। हाँ आप बात है कि आप बंद करो, पैसा कैश विड्रॉ करना बंद करो और ढूंढते रहो अपने नजदीक में कौन सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो लोग कैश आपको दे सकते हैं। एक व्यवस्था करो यहाँ पे, घर के 2-3 अकाउंट करो, खुद का अकाउंट करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त या जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। एक जुगाड़ तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि शाम के बाद जो है DMT का बिजनेस शुरू करो। कैसे करोगे? पहले दफा फिर से एक बार मैं ये लेसन देता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग सुने, आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे नहीं लगता आप लोग करते हो। अगर करते थे तो आप लोग नहीं पूछते और ना ही आज की ये लाइव सेशन में ये टॉपिक रखना पड़ता 194N TDS से कैसे बचे। इससे बचने का एक ही उपाय है, जो भी पैसा आपके पास सेविंग्स है वो पैसा लेके नजदीकी किसी बैंक पे जाओ और सीधा बैंक मैनेजर से बात करके करंट अकाउंट ओपन कराओ, सेविंग्स अकाउंट ओपन कराओ। उस सेविंग्स में कुछ पैसे RD के तौर पे रखो। अब RD अकाउंट जो होते हैं, अब 10,000 का एक RD ओपन कर देते हो, अगले महीना देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आपने 6 महीना चला लिया, इसके बाद नहीं दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पैसा लॉस में नहीं जाएगा। जब इसका सेटलमेंट आपको लेना है, जब इसका मेच्योरिटी लेना है, तब आप ले सकते हो। अभी तो नियम भी हो गया RBI के अंडर में, आप किसी भी दिन 15 पैसा जमा करने की 15 दिन बाद FDRD में किसी भी समय आप इसका विड्रॉ कर सकते हो, आप इसका मेच्योरिटी कर सकते हो, प्री मेच्योरिटी कर सकते हो, इसमें कोई लॉस नहीं। 15 दिन में जो भी आपको कमीशन मिलता है, वो परसेंटेजेस मिलते हैं, वो परसेंटेज के साथ आपको सेटलमेंट देगा, तो इसको लेके कोई चिंता तो है नहीं। आप 10,000 से एक RD ओपन करा लो और इसको रेगुलर रखो, एक दो अकाउंट घर का ओपन कराओ, मैनेजर के साथ रेपो सेटिंग करो और मैनेजर से बातचीत करके आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको क्या क्या करना है, आपके घर के नजदीक पंचायत है तो पंचायत से, अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन से आपको अपनी दुकान के नाम से एक ट्रेड लाइसेंस निकालना है। वो ट्रेड लाइसेंस निकालने के बाद आपको अपने पैन कार्ड से एक GST ओपन करना है, मतलब एक GST खोलना है, और साथ ही साथ आपको 2 साल की ITR फाइलिंग करना है। अगर आपका पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर आपने कोई भी ITR फाइलिंग नहीं कराया है या फिर आपने एक ही बार का इस बार का कराया तो आपको पिछले बार का भी करा लेना चाहिए 2019-20 का, और दोनों कराना है तो 2019-20, 2020-21, ये 2 साल का आपको ITR रिटर्न कराना है। GST फॉर्म GST बनाना है, अपने प्रोप्रेटरशिप के नाम से एक GST बनवाना है, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है और ब्रांच में जाके उसी ब्रांच मैनेजर से बातचीत करना है कि मुझे एक करंट अकाउंट चाहिए और मुझे इस करंट अकाउंट में काफी लेन देन करना है, और इतना ही बोलना है बस, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। करंट अकाउंट ओपनिंग हो गया, धीरे धीरे उनके साथ रेपो सेट हो गया, उनको समय लीजिए, कब कब समय देता उस समय उनके पास जाइए। रेपो सेट हो गया, ये सारे बात हो गए, करंट अकाउंट ओपनिंग हो गया, और उसके बाद बोलिए कि सर आपकी बैंक से CSP देने का कोई प्रावधान है। वो 99% क्षेत्र में आपको रिप्लाई आएगा नो, हमारे पास तो नहीं है। तब बोलिएगा कि हमारे पास एक है, बंदे ने बोला तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, अगर नहीं मिलता है तो मैं ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक से कर सकता हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, मुझे कैश की बहुत जरूरत है, आप मुझे इसका प्रावधान दे सकते हैं। इसमें क्या है, 70 से लेकर 85% क्षेत्र में बैंक मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं करता है, और ये सारे काम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय लगेगा। उस 1 महीने आपको कैश मार्केट से विड्रॉ करना है, आप उस करंट अकाउंट से भी मार्केट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश ले सकते हैं, किस तरह से ये भी आपको बताते हैं। अगर ये करंट अकाउंट हो गया, मान लीजिए कैश वाला बात नहीं हुआ मगर करंट अकाउंट हो गया, इस करंट अकाउंट से आप फोन पे गूगल पे ये सारी चीजें तो चला ही सकते हैं, और इन चीजों से आप मार्केट से पैसा भी कलेक्शन कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट से अगर आप ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं तो UPI भी आज चार्ज करने लगे हैं, अगर आप करंट अकाउंट से करते हैं तो चार्ज नहीं होता है। बहुत जगह पे पेटीएम का
करंट अकाउंट चालू हो गया है तो आप पेटीएम का करंट अकाउंट करा लीजिए। पेटीएम का करंट अकाउंट से सेट जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल ही फ्री है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक से भी फ्री हो गया, फ्री है अभी तक। उन बैंकों का फायदा उठाइए और मार्केट से कलेक्शन कीजिए। मार्केट से मतलब दुकानदारों के पास जाइए, उनसे पासबुक लीजिए, उनके अकाउंट में पैसा यूपीआई से ट्रांसफर कर दीजिए, और जरूर ट्रांजेक्शन में लिखिएगा किस वजह से आपने ट्रांजेक्शन किया है। वो नोट को बना के लीजिएगा, जो भी लिमिटेशन रहता है कुछ टाइप लाइन लिखने का, ठीक है, जो भी लाइंस रहते हैं उस लाइन को पहले सेटअप करके रखिएगा, उसको लगा के आप उनसे भी कैश ले सकते हैं और उनको डिजिटल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो ये जो चीजें इस हथकंडे को आप लोग अपनाएंगे तो आपको कैश मिल जाएगा, और बैंक मैनेजर के साथ रेपो सेट करना बहुत ही जरूरत है। करंट अकाउंट कैसे खोले इसके बारे में फिर से मैंने एक बार बोल दिया, फिर से बोलता हूँ, किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोलने से पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए जो ग्राम पंचायत या फिर म्यूनसिपलिटी दोनों जगह से मिलते हैं, आपके पास एक प्रोपराइटरशिप जीएसटी होना चाहिए, आपके पास 2 साल की आईटीआर रिटर्न होना चाहिए, तो कोई भी बैंक आपको एक करंट अकाउंट खोलवा देगा। सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ऐसे बहुत सारे बैंक है जो बैंक आधार ओटीपी से अकाउंट ओपनिंग करके देता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे कस्टमर के लिए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 4 मिनट में अकाउंट ओपन करने का दावा करता है, मैंने तो 3 मिनट में अकाउंट ओपनिंग कर दिया, दावा एकदम सही निकला और तुरंत ही ये फोन पे में भी ऐड हो गया है, और मुझे इनका एटीएम कार्ड और चेकबुक भी रिसीव हो चुके हैं। आईसीआईसी का भी कारण सेविंग्स अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाता है, इसमें पैसा लगता है मगर बैंक ऑफ बड़ौदा तो फ्री में हो जाता है। ये वाला चीजों के ऊपर जरूर ध्यान रखना है हर समय, किस तरह से कैसे होता है, कौन सा बैंक क्या फैसिलिटीज दे रहा है, कैश का आमदनी कैसे ज्यादा करे, और एक सवाल है आप लोगों का, कैश का आमदनी कैसे ज्यादा करे। कैश का आमदनी करने के लिए पहले तो आपको बिजनेस करना है, ईपीएस आप कर रहे हैं, माइक्रो एटीएम कर रहा है, तो आपके पास 4-5 पोर्टल होना चाहिए, और मैंने बोला सारे 5 पोर्टल में ऑन एन एवरेज बिजनेस करना है आपको। आपके पास कम से कम स्पाइस मनी, सही पे, RNFI, गो पेमेंट्स और पेआरडा, ये 5 पोर्टल होना चाहिए। इसमें ईपीएस और माइक्रो एटीएम चलने वाला 3-4 पोर्टल है जो बेहद ही अच्छे तरीके से चलता है। आप इससे कैश का आमदनी ज्यादा करने के लिए आपको LIC का सर्विस दे सकते हैं, 2 रुपए कमीशन देता है LIC, कोई बात नहीं, कैश आपके पास आ जाएगा। BBPS का सर्विस RNFI से दे सकते हैं, कमीशन भी मिलता है, आपके पास कैश भी आ जाएगा। तो ये जो सर्विसेज है जो कैश बड़े बड़े अमाउंट पे आते हैं, कमीशन कम मिलते हैं, आप लोग डायरेक्ट टारगेट करते हैं कि कहां कमीशन मिलता है, टारगेट कीजिए, कमीशन एक जगह पे आएंगे और कलेक्शन हम बहुत जगहों से करेंगे, कमीशन तो 1-2 जगह से आएंगे और बेहद तरीके अच्छे तरीके से आएंगे, क्योंकि आप 1000 विड्रॉ करते हैं तो आपको 1.5 रुपया कमीशन मिलता है, साथ में आप 10 रुपये भी ले लेते हैं, लेते तो है 100%, ठीक है। तो ऐसे अर्निंग आ रहे हैं आपको, आप जाएगा कहां से, कहीं से नहीं जाएगा, नहीं आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, फायदा ये कि आपको कैश मिल जाएगा, कहां से, BPS से कैश मिल जाएंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट से कैश मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट से कैश मिल जाएंगे, LIC के प्रीमियम से कैश मिल जाएंगे, गाड़ी बाइकों का इंश्योरेंस से कैश मिल जाएंगे, रिचार्ज से कैश मिल जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, कैश की आमदनी के साथ साथ दुकान का फुटफॉल भी बढ़ जाएगा, और दुकान में फुटफॉल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि कस्टमर आए, सर्विस मिले, दूसरे दिन दूसरों और 4 आदमी को लेके आए। मगर सबसे पहले बात है कि पहले तो आए, पहले कैसे आएंगे, पहले आने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं हर बात इस बात को लगभग पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट आज के डेट में 1 महीने में 10,000 है और हर महीना इसका 5 या 10%, 1,000 का 10% 100 रुपया, अगर सारा महीने भर का आपका बिजनेस का पहले पहले चरण में 3-4 चरण में 3-4 महीने में अगर आपका प्रॉफिट सारे महीने में 10,000 है, तो 1,000 रुपया जो है आपको ब्रांडिंग पे खर्चा करना चाहिए। आप क्या क्या सर्विसेज देना चाहिए, बाहर से लोगों को पता होना है कि आप क्या क्या सर्विसेज अंदर दे रहे हैं, तब जाके आपके पास कस्टमर आके पूछेंगे बाहर में जो लगा हुआ है LIC के प्रीमियम यहाँ पे दिया जाएगा, बाहर में जो लगा हुआ है किसी भी बैंक के ATM कार्ड से पैसा उठाया जाता है वो आपके यहाँ से होता है। तो जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रांडिंग के नीचे खर्चा नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और आपके पास अच्छे अच्छे सर्विसेज नहीं आएंगे तो कस्टमर फुटफॉल में तब्दील, ज्यादा फुटफॉल में तब्दील भी नहीं करेगा। इसे क्या होता है, ब्रांडिंग पे कस्टमर आते हैं और अच्छे सर्विसेज मिलते हैं तो अगले दिन 2 बंदे को लेके आते हैं, साथ में 4 बंदे को लेके आते हैं, मगर ब्रांडिंग नहीं है तो आते ही नहीं है, फुटफॉल का तो बात छोड़ दीजिए खैर, और ब्रांडिंग सिर्फ कर दिया, अंदर में सर्विस एंड सपोर्ट नहीं है तो बंदा आएगा अगले दिन 2 बंदे को तो नहीं लेके आएगा, और 2 बंदे को बोल देगा रास्ते में कि वहां मत जाओ, वहां ब्रांड तो लगा हुआ, बाहर में तो ब्रांडिंग तो लगा हुआ है
मगर सर्विस नहीं है अंदर में, बोला है अभी तक नहीं आया है। इन चीजों की और आपको ख्याल रखना है। अपने और कस्टमर को खींचने के लिए आपने दुकान के बाहर जैसे आप ब्रांडिंग लगाएंगे उसी तरह से आपको 2-3 किलोमीटर तक अपनी खुद की रेडियस से, मतलब आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर जितने सारे अच्छे अट्ठे गुट्टे पेड़ मिलते हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लैक्स के टुकड़े करके इसमें आपका जितना ब्रांडिंग हो सकते है मोबाइल नंबर के साथ। जैसे यहाँ पैन कार्ड बनाया जाता है, नीचे मोबाइल नंबर, बस पैन कार्ड के लिए संपर्क करके, पैन कार्ड जो लिखा है वो बड़े अक्षर में लिखिए और नीचे छोटे से लिखिए पैन कार्ड के लिए संपर्क करें। सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाने के लिए संपर्क करें, नीचे 9862368 जो भी नंबर है वो चिपका दीजिए। एटीएम कार्ड से पैसा उठाने के लिए संपर्क करें, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाने के लिए संपर्क करें, कल सुबह क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाने के लिए संपर्क करें, क्रेडिट कार्ड के द्वारा ईएमआई पे मोबाइल लेने के लिए संपर्क करें। जो भी सर्विसेज आपके पास है उन सारे सर्विसेज की आप छोटे छोटे कैटलॉग बना के एक गाना स्टेपलर से पैरों में चिपका सकते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा लुकआउट फेस देगा और कस्टमर खींचने के लिए आपको सहायता करेगा। क्वालिटी सर्विस देने के लिए सबसे पहले सोचना है कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपको सर्विसेज देना है और कौन कौन सी प्रोडक्ट को आपको चूज करना है। जो जो प्रोडक्ट आपके एरिया में चलेगा उसी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और ज्यादा फोकस कीजिए। जो प्रोडक्ट एवरेज चलेगा उसको छोड़ दीजिए पहले दफा, जो प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा उस प्रोडक्ट की ओर फोकस कीजिए और उसमें भरपूर सपोर्ट कीजिए। और बिजनेस की दूसरे तीसरे चरण में, मतलब दूसरे तीसरे महीनों में आपको एक सपोर्ट करने वाला बंदे की बहुत जरूरत पड़ेगा। आप इसे फ्रीलांसर ले सकते हैं, आप इसे अपना स्टाफ बना के भी ले सकते हैं, कर्मचारी बना के भी ले सकते हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ये जो 7 चीज है ये बहुत मायने रखते हैं बिजनेस चलाने में और इससे भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके पास कम है अमाउंट या फिर आप नहीं चाहते सारा पैसा डिवाइस की तले खर्चे हो जाए, तो आपको जो काम करना है वो सबसे पहले जल्द से जल्द आपके पास माइक्रो एटीएम नहीं है तो 3800 रुपये में गोल पे के साथ एक माइक्रो एटीएम ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको अपने बिजनेस में और भी सहूलियत मिल जाएगा, आप फुटफॉल खींचने में आप और भी सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का और क्या बातचीत है। हाँ, आयरिश कैनल में सक्सेस है, आरएनएफआई सीएमएस में 2 ही कंपनी आ रहा है, होम क्रिएटर स्विगी। हाँ, ये तो लोकल कलेक्शन के लिए, सीएमएस बड़े वाला कलेक्शन के लिए आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको पहले खोज लेना पड़ेगा आपके एरिया में कौन है। फिनो पेमेंट बैंक का नहीं, इस तरह का घटिया बैंक का अभी पॉइंट देना हम लोगों ने अलग शीट में बंद कर दिया है, लोकल में ही सिर्फ देते हैं। স্পাইস মানি মে যে মান্থলি রেন্টাল লাগছে সেটা লাগবে না কেন, লাগলে কি সমস্যা আছে? স্পাইস মানি মে 59 রুপিস রেন্টাল লাগ রা, ইসমে ক্যা হো রা হ্যায়? আপকা জিন্দগি কা টিফিন কা খরচা চলা যা রা হ্যায়, আপ দো বক্ত বগর খানে খায়ে সো রে হ্যায়, এসা হ্যায় ক্যা? দিন কা 2 রুপিয়া আপ ইনকো দে নাহি সকতে অর ভো আপকো দিন কা 100 রুপিয়া দে এসা সোচতে হ্যায়, ইয়ে সোচ দিমাগ সে হটা লিজিয়ে। আপ কিসি কো 2 রুপিয়া দেঙ্গে তো আপকো 200 রুপিয়া দেগা, ইস চিজ কে উপর জোরা ধ্যান দিজিয়েগা। দাদা আমার 3000 টাকার আরএনএফআই বিসি আইডি আছে, তো আমি মাইক্রো এটিএম পেতে পারি আপনার কাছ থেকে অফার? ওই 3500 মে মিলেগা স্যার, আরএনএফআই মে তো অনলি এইপিএস হ্যায় না, আধার পে তো নেই হ্যায়। হ্যাঁ হ্যায়, আপ আপকো পতা নেই, আপকে পাস আইডি নেই হ্যায় শায়দ, মুঝে লাগতা হ্যায়। গুগল পে ট্রানজেকশন কাউন্ট হোতা অ্যানুয়াল টার্নওভার মে ক্যা? হ্যাঁ, ট্রানজেকশন করেন তো ট্রানজেকশন কাউন্ট ক্যু নেই হোগা?
स्पाइसी एलएनटी का सीएमएस का लाभ उठा सकते हैं जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट कैसे ओपन कराए, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। ओनली गोल्ड आईडी चाहिए, एमएटीएम आईडी हाँ 3000 में ले लीजिए। प्रदीप कुमार जी, सर आरएनएफआई में आयरिश अच्छा काम कर रहा है क्या? हाँ ठीक ठाक कर रहा है। आरएनएफआई में मैंने तो वीडियो नहीं बनाया, बहुत जल्दी बना दूंगा। आरएनएफआई में तो ओनली एपीएस है ना, आधार पे तो नहीं है उसमें। विकी कुमार बगैर जानकारी लेके बात मत करो, मैंने एक बार बोला तुमको है, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार क्यों बोल रहे हो? तुम पोर्टल इस्तेमाल नहीं करते हो, नहीं जानते हो, सो मत बोलो। सर एसबीआई चार्ज बैक चार्ज लेटर नहीं रहे तो उसके नाम पे एफआईआर कर दो। दादा हमारा आईडिया अपग्रेड अच्छे 3000 एपीएस तो टाका कमीशन ठीक ही तो अच्छे 9 टाका पाचो 45 तुम्हार किचु पैसा टीडीएस काटछे। आरएनएफआई आईडी कैसे बिलिंग करे प्लीज बताए। सर आरएनएफआई आईडी बिलिंग करने के लिए व्हाट्सअप कीजिए हमें, अगर आप हमसे जुड़े हैं दूसरी जगह से तो पता नहीं बॉस। गो पे एमएटीएम मिलेगा क्या जी? बहुत जल्दी हम लोगों ने बिलिंग कर लिया, बहुत जल्दी आ जाएगा गो पेमेंट का एमएटीएम। थिंक पॉट क्या? एक लोन का बंदोबस्त है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन प्रक्रिया है जो आपको लोन की सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। आरटी लॉट टेक ये पर लेना, नीचे वाला जो लिखा है इसको पर लेना कि क्या लिखे। ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जो लोग काम नहीं करते एकदम से, उन लोगों के लिए। और जिसकी यहाँ पे तीसरा ए बी सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कमीशन को, उनके लिए। सर डीजीपे बेस्ट है ना? आरएनएफआई कहाँ डीजीपे, कहाँ आरएनएफआई? डीजीपे एक अलग क्षेत्र का है जहाँ पे सर्विस सपोर्ट कुछ भी नहीं है। मेरा आईडी में कमीशन अपग्रेड करना है, मनोज कुमार मल्लिक बात कर लेना अभिजीत से। स्टूडियो आयन तारिकुल सरकार, ना सर नहीं मिलेगा। पिंटू सरकार आरएनएफआई में एपीएस का सर्विस अच्छा नहीं है, आरएनएफआई में एपीएस का सर्विस अच्छा नहीं है पिंटू सरकार। ठीक है सर, ये आपको नहीं अच्छा नहीं लग सकते, मगर करोड़ों का बिजनेस तो आज भी हुआ है, 1 करोड़ 25 लाख का बिजनेस रात की 9:30 बजे तक, अरे 9 बजे तक आज भी हुआ है, हो सकता है। दादा हमार रिटेलर तुहिन गायने रेमेटी में एखनो आसिनि, 5 मंथ हो गए, एखनो आसबेव ना, ওটা আসতে সময় লাগবে, 5 মাস 6 মাস আপনি বললে হবে না, লকডাউনের মধ্যে আপনি 6 মাস 7 মাস বললে কি হবে? আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে রেখেছেন, আমরা আজকে থেকে 6-7 দিন আগে পাঠিয়েছি অফিসে, বা আপনি অফিসে যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে প্রসেস খালি শুরু হয়েছে পাঠানোর, ফিনো থেকে রিপ্লেস ডাইরেক্ট দেওয়া শুরু বন্ধ করে দিচ্ছে, ওরা ঠিক করে পাঠাচ্ছে, তো সেই জিনিসগুলো দেখতে হবে না। স্যার এক্সিস কা সিএমএস মিল রা হ্যায় বাট চার্জ 15000 পার ইয়ার লে রা হ্যায়। এক্সিস কা সিএমএস, এক্সিস কোন সা সিএমএস দে রা হ্যায়? ফিংপোর্ট কা আইডি কেসে মিলেগা? জব মিলেগা ভিডিও বানা দেঙ্গে। স্পাইস মানি আইডি বেস্ট, हाँ आप स्पाइस मनी अगर आपका बेस्ट है तो आप स्पाइस में कर सकते हैं, हम भी करते हैं, कोई बात नहीं। हर किसी के लिए हर कोई चीज अलग अलग कारणों से बेस्ट होते हैं, ठीक है, आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपको यहाँ पे अपना मर्जी का चीज मिल रहा है, कोई दूसरे बंदे को दूसरे जगह पे अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को तो ऐसे कंपनी में अच्छा लग रहा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो किसी दूसरे की ओर हम इसको दबा नहीं सकते। किशोर कस्तूरी, किशोर कस्तूरी भाई आप ये बताओ आपको किसने लेटर दिया कि आप बैंक बीसी बीसी के अंडर सीएसपी हो? आपका कोई सर्टिफिकेशन है? आपने कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन दिए है? नहीं दिए है, तो जब तक आपके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं बनता है तब तक आपको एज ए लेबर ही, जैसे मैं आप एज ए लेबर ही ट्रीट होगा हमारे साथ। अब मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट है वो अलग बात है, मगर बहुत सारे लोगों ने तो नहीं दिया, तो बस एक ही बात है, हम अभी तक कोई सीएसपी है नहीं, बस नाम का है, हमारा आधार इस्तेमाल किया हुआ है। इसका भी कोई आएगा सिस्टम, बाइंडिंग्स आएगा, एडुकेशन का बाइंडिंग्स आएगा, एरिया का बाइंडिंग्स आएगा, तब जाके धीरे धीरे बन के ये सारे चीज बनेंगे। अब क्या होगा बताओ, मैं बताता हूँ, अगर ये आप में जितने सारे रिटेलर है उन सारे लोग अगर सारे लोगों को अगर कोई पैरामीटर के अलावा ही ये वाला लेटर मिल जाता है कि हम बैंक का सीएसपी है, तो काल जाके बहुत ऐसे बहुत बड़ा चोर है जो खुद भी रिटेलर बनने का नाटक करके रिटेलर आईडी ले लेगा, इससे ट्रांजेक्शन भी करेगा और सारा पैसा इधर से कैश विड्रॉ करके अपने दूसरे तीसरे चौथे गंदे कामों पे भी लगाएगा, तब तो गवर्नमेंट का जो टारगेट हुआ वो तो गया। इसलिए इस तरह से हम लोगों को सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, ये बहुत गंभीर चीज बन चुका है। नहीं काटेगा टेक्निकल प्रभाकर, ज्ञान फिलिक्स ब्राजील, ब्राजील मतलब, लेकिन सेक्शन 94 एंड में तो साफ साफ मैंने बोला, आपको बोलने की बात सुनने की भी क्षमता रखिए,
मैंने बोला फिर एक ही चीज सवाल करने का कोई फायदा नहीं है दादा। हमें एस बी आई योनो थे पेयर डे कोनो हाँ प्रॉब्लम तो होगा। योनो आपकी इतने ट्रांजेक्शन करने के लिए नहीं दिया गया है। 1,50,000 रुपया ट्रांजेक्शन करते तो किसी भी दिन चिट्ठी आ जाएगा आपके घर में। नहीं जो बैंक क्या विड्रॉ ईपीएस नहीं होता है। आरएनएफआई ने स्पाइस मनी में सही टाइम में स्पाइस मनी में जो काम होता है वो इंडसइंड बैंक से यस बैंक से होता है तो उसका पैरामीटर अलग है और हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक एंड आरबीएल बैंक है उसका पैरामीटर टोटली अलग है। तो एक के साथ दूसरे का आप मिलावट मत कीजिए तो ही बेटर रहेगा। स्पाइस मनी में जो बैंक से 10 लिमिट ख़त्म हो गया और लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद भी उसी बैंक से हम लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं आधार पे के द्वारा। आप स्पाइस मनी में कर सकते हैं? नहीं। स्पाइस मनी में हम भी काम करते हैं ना, तो प्रॉब्लम हर जगह रहेगा। हर किसी का कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कुछ अच्छे ही रहेगी। इसके लिए मैं जो कहता हूँ आरएनएफआई बेस्ट है अपनी जगह से कहता हूँ। जिस जिस चीज़ों के लिए है वो बताता हूँ। आरएनएफआई अपने काम के लिए बेस्ट है, आप अपनी जगह पर बेस्ट है, मैं अपनी जगह पर बेस्ट हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बेस्ट है इसलिए मैं खराब हूँ और मैं बेस्ट हूँ इसलिए आप खराब हैं। आप अपनी जगह पे अपने काम के लिए बेस्ट है, मैं अपनी जगह पे अपने काम के लिए बेस्ट हूँ। बस वही चीज़ों को दोहराइए। आपको आरएनएफआई अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, कौन आपको ज़बरदस्ती कर रहा है। और मैं जो ये हर बात अगर आप कह रहे हैं आपकी बातों से मैं सहमत हो गया कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ आरएनएफआई बेस्ट है, इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? नहीं होना चाहिए आपको तकलीफ़। आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप मत कीजिए आरएनएफआई पे काम, आप स्पाइस में करते रहिए। आप भी एक यूट्यूब चैनल खोलिए और दिन भर इसमें कहते रहिए स्पाइस इज़ द बेस्ट। ओपन है सबके लिए ना, ना आप मैं पैसा खर्चा करके आके बोल रहा हूँ और ना आप बोलने के लिए आने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, सारे तो मुफ्त है। तो आप अपनी मर्जी से अपनी तरीके से बोल सकते हैं अपनी जगह पे, ठीक है सर। दुकान का ट्रेड लाइसेंस सरपंच के पास मिलेगा, पंचायत सेक्रेटरी देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग कैसे? बात इसके ऊपर बोल दिया है, रुकिए उसके ऊपर वीडियो आएगा। हमारा आइडिया है किंतु नहीं, मेरे यहाँ से नहीं होगा सर। अगर आप दूसरी जगह से लिया हुआ है नहीं होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम का। राज जिंदल ऐप में आईरिस कब आएगा आरएनएफआई में? देखना पड़ेगा, शायद आपका आईडी आरबीएल से एक्टिवेटेड है, आईसीसी जिनके एक्टिवेट है उनका शो कर रहा है। आरएनएफआई आईडी डिलीट करने एईपीएस भी चालू नहीं है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी बनवाई है, इसके लिए कस्टमर केयर से बात कीजिए। रविशंकर सर, मेरा आरएनएफआई का सर्वर बैंक आरबीएल लगवाना है, इसके लिए मेल कीजिए कंपनी को, वो लोग करा देगा, या फिर हमें हमारे मेल पे मेल कर दीजिए। सर एसबीआई सीएसपी का क्या हुआ? प्रियोतोष एक बंदे का चल रहा है, उसका टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे सबके लिए प्रोवाइड करेंगे। सर ईपीएस में लिमिट खत्म हो गया तो आधार पे से विड्रॉ होगा? हाँ। एमएटीएम और गोल्ड आईडी में क्या क्या सर्विसेज है, इसके लिए वीडियो देखना है सर आपको, और इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मंत्रा न्यू डिवाइस का देखा बे? मंत्रा न्यू डिवाइस फिलहाल आपके सामने नहीं है, नहीं तो दिखा देते, ठीक है। न्यू डिवाइस तो कल आ चुकी है, इसके ऊपर काम चल रहा है, इसको भी सेटिंग करने में काफ़ी समय लग जाएंगे मुझे लगता है। शिवा भारती स्पाइस एल एन टी का सीएमएस का लाभ उठा सकते हैं? हाँ, सीएमएस में जाके बात कीजिए, अगर वो लोग देना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और मुझे बस उतना ही कहना है, अगर ये चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए 194N से बचने के लिए जो मैंने बोला, और अगर आप माइक्रोटीम लेना चाहते हैं तो माइक्रोटीम को लेके बिजनेस भी कर सकते हैं 3800 रुपये में। माइक्रोटीम के साथ साथ आप लोगों को गोल्ड आईडी भी फ्री में मिल जा रहा है, और नया आईडी ले रहा है उसको भी ये ऑफर है। जो लोग पुराना आईडी है इसमें माइक्रोटीम लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सेम ऑफर है, तो इसका ऑफर का आप लोग फायदा ले सकते हैं। एमएटीएम बैटरी 3 घंटे ही चलती है, तो आप चला क्यों रहे 3 घंटे तक? ट्रांजेक्शन के बाद बंद कर दीजिए। ट्रांजेक्शन हुआ, हम लोगों ने बंद कर दिया, इसको 3 घंटा तक क्यों चलाते हैं? इसमें 500 एम्पियर का एक बैटरी रहता है, ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी होता है इसमें, जिसमें इतना ही समय रहता है। इसको ज़्यादा मत प्रेशर दीजिए, ट्रांजेक्शन हो गया बंद कर दीजिए। टेल्पो डिवाइस की ट्रांजेक्शन, ये वाला डिवाइस की बात कर रहे हैं आप लोग? टेल्पो की ट्रांजेक्शन पे आप लोग लाइव देखना चाहते हैं? मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला डिवाइस, पहले से ये वाला डिवाइस बहुत बढ़िया लगता है, और मैंने सोचा एक डिवाइस एक्टिव करके आप लोगों को भी दिखा देते हैं।
जो कम्बो बनाया है बस उसी कम्बो की बात कीजिए। ये हो गया सही पे का टेल्पो डिवाइस, और इसमें जो जो सर्विसेज आप लोगों को लाइव मिल जाता है वो है APS ऊपर में है, आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए आप प्रॉपरली आप लोगों को दिख रहा है DTG 705 में मिनी स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, मैंने बोला सबको तीन चार पोर्टल लेके रखी है, जहाँ पे जो भी काम करते हैं उसी पे ही काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस पे कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहा है, इन चीज़ों की और ध्यान मत दीजिए, जहाँ पे कर रहा है वहीं पे करना शुरू कर दीजिए। और ये हो गया सही पे का टेल्पो डिवाइस, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सर्विसेज है, जैसे बजाज का लीड है नीचे से दिखा था, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल फंड्स अभी तक शुरू नहीं है, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ई कॉमर्स में अमेजन आप लोगों को मिल जाता है, और इंश्योरेंस में कुछ खास नहीं है। इंश्योरेंस में भी जो मिलता है लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को मिल जा, कमिंग सून है, जनरल इंश्योरेंस कमिंग सून है, ICICI टर्म इंश्योरेंस आ गया है ऑलरेडी, इसका काम चालू है। और बिल पेमेंट में आपका BBPS का सारे सर्विसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे BBPS का आप लोगों को लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी में जितने सारे BBPS में पार्टनर है सारे इलेक्ट्रिसिटीज का मिल जाएंगे, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर का यहाँ पे मिल जाएंगे। वेस्ट में WBDCL से लेके वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जो भी जहाँ पे भी है, जो BBPS पे लाइव है, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको भारत बिल पेमेंट के द्वारा। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। यहाँ पे BBPS के द्वारा मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा गैस, वाटर, मोबाइल प्री पोस्ट पेड, DTH, ब्रॉडबैंड पोस्ट पेड, LPG गैस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट, LIC नहीं है, बाकी सारे लगभग सारे प्लेयर्स है यहाँ पे। और इसके अलावा फास्टैग में क्या क्या है देख लेते हैं। फास्टैग में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक फास्टैग, ICICI बैंक फास्टैग है। और हेल्थ इंश्योरेंस, लोन पेमेंट, लोन रीपेमेंट में भी बहुत सारे कंपनीज है इसमें, आरोहन, बजाज फाइनेंस, इजी होम फाइनेंस, SKF इनकॉर्प, ये देखते किसके लिए है, ये जो है बजाज फाइनेंस ये कस्टमर के लिए है, ठीक है, ये कस्टमर के लिए है। CMS बहुत जल्दी चालू हो जाएगा इसमें भी। और है केबल टीवी में काफ़ी सारा कंपनीज है, हाथवे है इसमें, हाथवे डिजिटल केबल टीवी, हाँ एक ही है हाथवे है इसमें। एडुकेशन फीस में दो है शायद, हाँ माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये दो है BBPS में लाइव ऑलरेडी, तो इसमें BBPS मिलता है। म्यूनसिपल टैक्सेस है, हाउसिंग सोसाइटी है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ है D-कार्ड और APS। ये हो गया APS वाला ऑप्शन, आप APS का ट्रांजेक्शन आप लोगों के सामने करते हैं, डिवाइस ऑन है, सारा कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर बटन है, ये साउंड बटन है, साउंड बार है, साउंड का काम करता है इसमें, साउंड बराबर काम करता है, साउंड का भी काम फंक्शन इसमें होता है। तो APS डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट है। तो मिनी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए मिनी स्टेटमेंट मुझे लेना है, सिलेक्ट बैंक पे जाके मैंने सामने जो मिलता है एयरटेल पेमेंट बैंक ले लिया, और आधार नंबर में डाल देता हूँ, और स्कैन एंड सबमिट में जब भी मैं क्लिक करता हूँ इसमें से साउंड आएगा कि Place मैं finger on device. डिवाइस फिंगर देने के लिए कह रहा है, जल गया लाइट, लगा दिया मैंने फिंगर और हो गया मेरा फिंगरप्रिंट और ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, मुझे बहुत ही बेहतर लगा। इसलिए ये कंपेटेबल डिवाइसेस में हर समय प्रेफर करता हूँ सबके लिए, क्योंकि ये वाला डिवाइस में सिम कार्ड भी लगा हुआ है, तो आपको बराबर सर्विस भी मिल जाता है। अगर आप दूसरे किसी से
इंटरनेट ले रहे हैं उसमें कुछ इसमें इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रहा है तो यह भी आपको इफेक्ट आएगा। तो बेहतर है कि इसी डिवाइस में अगर आप सिम कार्ड लगा लेते, ये 4G सपोर्टेबल डिवाइस है। देखिए ये फेल्यूर हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक का, ठीक है, शायद एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई इशू होगा जिसलिए एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं दिया। मैं इसका भी प्रिंट एक बार ले लेता हूँ, प्रिंट दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट भी बहुत ज़बरदस्त फास्ट आता है। चलिए इसमें इंटरनेट में कोई दिक्कत, मैंने बोला जो दूसरे से लेते हैं तो वो दिक्कत होता है, मेरा ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड था, वाईफाई चौपाल से कनेक्टेड था इसलिए दिक्कत हो गया। मैं इसको फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सिम स्लॉट भी है, मैं एंड में आपको दिखा दूंगा सिम स्लॉट। तो 3 सिम स्लॉट है इसमें, एक खराब होगा तो दूसरे में आप लोग कर सकते हैं। एक परेशानी इसमें है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ख्याल रखिएगा दूसरे जगह पे भी आप ओपन ना करके रखें, नहीं तो ये आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए 2 जगह पे एक साथ ओपन करके नहीं रखा जा सकता है, और होता है ओपन तो इसको क्लोज कराना है। जब तक वो वाला पैनल काम नहीं क्लोज नहीं होता तब तक ये वाला पैनल काम नहीं करेगा। खुल गया पैनल और मैं APS में चला जाता हूँ फिर से डायरेक्ट, और मिनी स्टेटमेंट में एक बार चेक करता हूँ, मिनी स्टेटमेंट में फिर से, और इस बार चेक करता हूँ मैं इंडसइंड बैंक से। एयरटेल में दिक्कत है तो एयरटेल से नहीं हुआ। स्कैन एंड सबमिट, Place finger on device. ये देखिए मिनी स्टेटमेंट निकल चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से निकला है मिनी स्टेटमेंट। और मैं इसको प्रिंट भी दे सकता हूँ, और प्रिंट भी दे देता हूँ इसको एक बार प्रिंट। ये हो गया मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग अगर दिखाई दे रहे हैं तो प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है क्या है, ये ICICI बैंक से मिनी स्टेटमेंट है, BC नेम विनय विश्वास है, एजेंट ID है, और BC कलेक्शन टीम टेक सपोर्ट सोन ऑफ विजय विश्वास, जो है मेरा एड्रेस फुल एड्रेस टर्मिनल ID कस्टमर आधार नंबर जिस कस्टमर ने फिंगरप्रिंट लगाया, कौन सी बैंक से इंडसइंड बैंक से, RRN नंबर, स्टैन नंबर, UID ऑथेंटिकेशन कोड, और इसके बाद से सारा ट्रांजेक्शन पार्ट बाई पार्ट घीजी भी जी नहीं है, सारे क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ डाला हुआ है। तो ये हो गया मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप लोग इसे मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट दे सकते हैं, फिनिश करके आप लोग फिर से जा सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी पे, और इसके साथ साथ आप इसमें कैश डिपॉजिट का भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी इसमें कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट भी बहुत बढ़िया तरीके से इससे ICICI का हो जाता है, कैश विड्रॉल का भी हो जाता है, किसी भी बैंक से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट जो है वो सिर्फ आप ICICI से कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसको नहीं हटाया गया है, अकाउंट बेस्ड आप अकाउंट के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं, आप आधार के द्वारा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आधार बेस्ड एंड अकाउंट बेस्ड। VID से भी आप लोग कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ करके। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये लाइव वीडियो चल रहा है इसमें क्लियर दिखना भी मुश्किल है। क्लियर दिखने का कोई रास्ता होता तो मैं इसको क्लियर दिखा देता, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगला आप लोग चाहे तो इसे ट्रांजेक्शन करके देख सकते हैं, अगर इसे आप कार्ड से भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो डी कार्ड बोल के एक ऑप्शन है, डी कार्ड से भी आप लोग डी कार्ड के अंदर जाके आप लोग कार्ड के द्वारा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होगा, वॉलेट टॉपअप ऐसे UPI के द्वारा होगा, यहाँ पे ऐड मनी अगर जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और UPI। ऑनलाइन पे जाके आप लोग पेमेंट ऑप्शन प्लीज सिलेक्ट अमाउंट, मान लीजिए मुझे 1,000 का टॉप अप लेना है, प्लीज सिलेक्ट अमाउंट,
और फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कैश कार्ड और वॉलेट है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड एंड वॉलेट, ये चार ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए मैंने वॉलेट कर दिया, देखते क्या है इसमें। अच्छा, पेटीएम से एयरटेल मनी से टॉपअप होगा, आई कैश कार्ड से टॉपअप होगा, पेटीएम से टॉपअप होगा और मोबीक्विक वॉलेट से भी टॉपअप होगा। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से भी इसको हम टॉपअप कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। और इसमें सेटलमेंट अकाउंट भी यहाँ पे है, ये सेटलमेंट एपीएस एंड यूपीआई दोनों में, दोनों के द्वारा ले सकते हैं। ये मान लीजिए एपीएस प्लस यूपीआई है यहाँ पे, और ये पैसा हम किसी दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर कर सकते हैं, हम जैसे किसी दूसरे रिटेलर को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, पेमेंट भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अनयूज्ड अमाउंट, और यहाँ पे हम लोग एपीएस प्लस यूपीआई के द्वारा भी सेटलमेंट ले सकते हैं। यूपीआई मतलब मान लीजिए आपका यूपीआई आईडी है 9623600@YBL, तो आप यूपीआई के द्वारा भी इसको सेटलमेंट अपने वॉलेट में ले, अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रहा है। इसमें जो बात सुना गया है HDFC से अकाउंट ओपनिंग, ये तगड़ा कंपनी है, कर भी सकता है, सुना गया है, बस ये बात ये सुन के ही रखिएगा आप लोग भी। जी सूरज कुमार स्टोर, ATM कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो फिलहाल होने के बाद ये थोड़ा दिक्कत तो आप लोगों को सामना करना ही है, ये बहुत जल्दी इसमें आपको ये भी, ये वाला फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, और ये मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ATM से पैसा उठाने के लिए आता है उसके पास, उसको पता है कितना उठाना है, कितना है इसके अकाउंट में। और एक दो तीन चार बंदे की क्षेत्र में ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है, उनके लिए खैर थोड़ा दिक्कत करना पड़ेगा, इनको लिए पहले 100 रुपये विड्रॉल करके देखना पड़ेगा और फिर विड्रॉल देना है, क्या इशू है। और जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इनको पता है कितना बैलेंस है, 5 इनको फ्री है, ये भी उनको पता है। और जिनको पता ही नहीं है, वो ATM इस्तेमाल नहीं करते, तो 5 में से 2 अगर आप हम यहाँ से इस्तेमाल कर देते तो दिक्कत किस बात की है। एक्सिस का कैश डिपोजिट ये वाला मशीन पे अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो इसको भी ग्रेप कर सकते हैं, ये भी अच्छे डिवाइस है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, मैं यहाँ से निकाल जाता हूँ, पहले इसको कर देता हूँ ऑफ, डिवाइस ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, और ये आपको एक बहुत बैकअप वाला बैटरी मिलता है, देखते इसका कितना बैटरी बैकअप है। 4400 mAh का बैटरी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बैटरी है, और ये चलने के लिए तो मुझे लगता है ठीक ठाक है। यहाँ पे 3 सिम स्लॉट दिया गया है, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, और ये दो दो सिम स्लॉट है, एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। ठीक है, तो दो सिम स्लॉट, एक ख़राब हो जाएगा तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है, और ये दो कुछ कनेक्टर होंगे कि अलग से अगर डिवाइस लगाते हैं, अलग अलग ये मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। ये जो नाट से लगा हुआ है वो फिंगरप्रिंट डिवाइस है सिक्यूजन का, कुछ जगहों पर इस चीज़ का बहुत ज़रूरी नहीं होता है। जैसे दुकान में अगर किसी भी मिठाई की दुकान पर या फिर किसी शॉप में लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ कार्ड का ज़रूरत होता है। तो कार्ड स्लॉट और ये वाला कार्ड, ये कार्ड 5 करने मतलब सिम स्लॉट इस्तेमाल होता है, और 5 का ये वाला स्लॉट होता है स्वैप करने के लिए, तो दुकानदार को इसकी ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे नाट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ पे नाट लगा हुआ है। ठीक है, इस नाट से काम चल जाता है, इस नाट खोल लेते हैं तो ये वाला पोर्शन खोल जाता है, तो फिंगरप्रिंट खोल लेते हैं। ये फिंगरप्रिंट भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, या फिर नीचे कोई ऑप्शन होगा जिससे वो कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ चीज़ों से वो कनेक्टेड है, ब्लूटूथ या फिर नीचे वाले हिस्से से कनेक्टेड है। और सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, एक ही जगह से बैठ के एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल रहे हैं। तो मैं बैटरी को लगा देता हूँ। इसमें पेपर रोल भी आपको अच्छे खासे, अच्छे मोटे पेपर रोल इसमें आप लोड ले सकते हैं, देखने में बहुत छोटा जगह लग रहा है, देख सकते हैं। एक नॉर्मल पेपर रोल भी इसमें आ जाता है, और हालांकि ये ब्लू कलर का पेपर रोल है, ये कलर ब्लू है इसका, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रिंट आता है इसका। इस क्वालिटी का प्रिंट अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं रोल, तो रोल भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये वाला डिवाइस भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, किसी भी समय किसी को भी चाहिए तो आप लोग उठा सकते हैं इस चीज़ को। इधर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं, 22,500 रुपया है, और 1 साल के ब्रांडिंग वारंटी के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पेशकश और आज की ऑफर जो है वो आप लोगों को बता दिया। अब तक के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार कल एक बार मिलने की प्रयत्न करते हैं आप लोगों से, और कुछ भी नया रहेगा तो ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। गुड नाइट सबको।